राजामौली इन दिनों एक और मेगा फिल्म बना रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है ट्रिपल आर। इस फिल्म में रामचरण तेजा और एनटीआर जूनियर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में दो एक्ट्रेसेस समेत कई विदेशी कलाकार अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। इनमें से एक है ओलिविया मॉरिस। फिल्म के ट्विटर हैंडल से इसका खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म में ओलिविया के किरदार का नाम जेनिफर है। ओलिविया मुख्य रूप से सेवन ट्रेल्स इन सेवन डेज मिनी सीरीज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से तेलुगु में बन रही ट्रिपल आर एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो दो स्वतंत्रता सेनानियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जंग लड़ी थी। ओलिविया के अलावा एक और विदेशी एक्ट्रेस के ट्रिपल आर में होने की खबर आ रही है। ये है आयरिश एक्ट्रेस एलिसन डूडी। एलिसन ने जेम्स बॉन्ड फिल्म अ व्यू टू अ किल से फिल्मों में डेब्यू किया था, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। 53 साल की एलिसन की कास्टिंग 36 साल के एनटीआर के साथ वाकई चौंकाने वाली है। एलिसन इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड और द एक्टर्स जैसी फिल्मों में दिख चुकी हैं। आखिरी बार वो डिवीजन 19 में नजर आई थी, जो 2017 में रिलीज की गई थी। ट्रिपल आर में एलिसन के किरदार का नाम लेडी स्कॉट है, जो प्रति नायिका का है। ट्रिपल आर में तीसरे विदेशी कलाकार है रेस्टी वेंसन, जो फिल्म में स्कॉट नाम के ब्रिटिश का नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। ये भी आयरिश कलाकार हैं, जो थॉर रेग्नारोक, द ट्रांसपोर्टर, रिफ्यूल्ड और एक्सीडेंट मैन जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बाहुबली जैसी भव्य और विशाल फिल्म सीरीज बनाने के बाद राजामौली इस फिल्म में जुट गए हैं। ये एक मेगा बजट फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें बड़े बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। फिल्म का बजट करीब 350 से 400 करोड़ बताया जा रहा है और ये फिल्म 30 जुलाई 2020 में रिलीज की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा कि दोनों कलाकार के किरदार इतने पावरफुल और संतुलित हैं कि फिल्म शुरू होने के बाद दर्शकों को एनटीआर जूनियर और रामचरण तेजा नजर नहीं आएंगे। तो आप ट्रिपल आर को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के टीवी डिजिटल राइट्स कितने करोड़ में बिके, अजय देवगन क्यों नहीं कर रहे हैं शूटिंग, और ट्रिपल आर बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई करेगी, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। एसएस राजामौली दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, लेकिन बाहुबली की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद उन्हें पूरा देश जानने लगा है। उनकी बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ 99 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। यहां तक कि कोई हिंदी फिल्म नहीं पहुंच पाई और बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स के लिए
इस आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। राजामौली इस समय ट्रिपल आर नामक फिल्म बना रहे हैं। एनटी रामाराव जूनियर, रामचरण और आलिया भट्ट लीड रोल में, अजय देवगन भी छोटे रोल में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में है जिन्होंने अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस फिल्म को तेलुगु में बनाया जा रहा है, साथ ही हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब कर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का बजट 350 से 400 करोड़ के बीच है। फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। माना जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी। शायद इसलिए फिल्म के टीवी और डिजिटल राइट्स महंगे दामों में बिकने की खबर है। बताया जा रहा है कि स्टार नेटवर्क ने फिल्म के टीवी और डिजिटल राइट्स खरीदे हैं। इसके लिए वे 200 करोड़ रुपए चुकाने वाले हैं, जो बहुत बड़ी राशि है। वे फिल्म को टीवी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर दिखाएंगे। हालांकि फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। फिल्म को इतनी बड़ी रकम मिलना बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। अजय देवगन कोई जल्दबाजी नहीं चाहते, वे चाहते हैं कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियां और बेहतर हो, माहौल सुरक्षित हो, तभी वह शूटिंग करना शुरू करेंगे। अजय इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। खबर है कि वे एक स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं जिसका निर्देशन वे खुद करेंगे। अपने प्रोडक्शन हाउस तले कुछ फिल्मों का निर्माण भी वे करने वाले हैं जिसकी योजना वे बना रहे हैं। अजय के हाथों में इस समय भुज, मैदान, कैथी का रिमेक, चाणक और थैंक गॉड जैसी फिल्में हैं जिनका काम अलग अलग स्तर पर चल रहा है। ट्रिपल आर में भी अजय देवगन का बहुत ही यूनिक रोल है और बताया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर ट्रिपल आर बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। आलिया भट्ट ने बताया कि उन्होंने किस तरह फिल्म RRR के लिए मेहनत की कि तेलुगु सीखने के लिए चैन की नींद लेना भी मुश्किल हो गया। महेश बाबू के साथ फिल्म बनाने का मन बना रहे हैं राजामौली। 2023 में होगी ये फिल्म रिलीज। फिल्म का हिस्सा हो सकता है ये हीरोइन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की दुगनी मेहनत कर रहा है, उनसे भी बेहतरीन और बड़ी बजट फिल्मों का उन पर उनका फोकस है। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो बनकर तैयार हैं, बस इंतजार है तो थिएटर खुलने की और रिलीज करने की। जहां एक से एक फिल्में बन चुकी हैं, वहीं कुछ फिल्में अभी मेकिंग में हैं और फिर अनाउंसमेंट हो चुकी है और जल्द ही उन पर भी काम शुरू किया जा सकता है। फिल्म RRR ने भी अपना काम लगभग खत्म कर लिया है, उसमें बस ग्राफिक्स का काम बाकी है। राधे श्याम भी अपने लास्ट स्टेज पर है। प्रभास की 2-3 फिल्में अनाउंस हो चुकी हैं जिसमें आदि पुरुष, सलार और ओम रावत की एक फिल्म है जिसमें वो जल्द ही काम करेंगे। ऐसी खबर है कि जल्द ही प्रभास और अनुष्का शेट्टी राजामौली के साथ एक और फिल्म करने वाले हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म आचार्य पर भी आधा काम शुरू हो चुका है। RRR के बाद रामचरण इस फिल्म पर काम करेंगे। फिलहाल तो वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, ठीक होने के बाद वो सेट पर वापसी करेंगे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री पूरी तैयारी में है कि साल 2021 में वो टॉलीवुड को फिर से ट्रैक पर ले आएंगे। अब देखते हैं उनका ये प्लान कितना सफल हो पाता है। आलिया भट्ट जो कुछ समय पहले तक राजामौली की फिल्म RRR की शूटिंग कर रही थी, वो फिलहाल अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ छुट्टियां मनाकर लौटी हैं और अब गंगूबाई काठियावाड़ी पर काम कर रही हैं। फिल्म RRR के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि तेलुगु फिल्म पर काम करने का उनका अनुभव काफी अच्छा रहा। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, इस फिल्म के लिए उन्होंने तेलुगु सीखी। ऐसी खबर है कि वो इस फिल्म के लिए तेलुगु में भी गाने गाते नजर आएंगी। अभिनेत्री बताती हैं कि तेलुगु सीखने में उनको काफी समय लगा और वो इस चीज में इतना डूब गई कि वो नींद में भी तेलुगु बोल रही थी। ये काफी फनी है, लेकिन इसमें पता चलता है कि इसके लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है। अब देखते हैं वो इस फिल्म में फैंस का दिल जीतने में सफल होती है या नहीं। निर्देशक राजामौली ने तो जैसे ना रुकने की कसम खा ली है। इतने सफल निर्देशक होने के बाद भी वो दिन रात मेहनत करते नजर आते हैं। उनके इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा वो और भी कई प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। खबर आई है कि वो महेश बाबू के साथ भी एक बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म को साल 2023 में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म पर काम इतनी जल्दी शुरू होती है तो इस बात पर निर्भर करता है कि वे फिल्म RRR पर काम कितने जल्दी खत्म कर पाते हैं या नहीं। फिल्म की अभिनेत्री के बारे में तो अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में आलिया भट्ट भी हो सकती है। अभी राजामौली के फेवरेट बनी हुई हैं। कुछ समय पहले जब अभिनेत्री हैदराबाद में थी तब वो महेश बाबू के घर भी गई थी, उनके परिवार से मिली थी और उनकी बेटी को तोहफा भी दिया था जो कि आलिया भट्ट की फैन थी। इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में उनकी जोड़ी भी हो सकती है।
आप इन दोनों ही फिल्मों को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR की नई फिल्म आ रही है, नाम है RRR। फिल्म को बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में जूनियर NTR का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। उन्होंने कोमाराम भीम का किरदार निभाया है। 1:33 के इस वीडियो में जूनियर NTR का लुक बेहद धांसू है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस टीजर में एक आवाज आती है, तूफानी समुन्दर जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, लहराते झंडे पर है जिसको नाज, बाहों में ताकत आंखें जैसी बाज, धरती की छाती का लाल जंगल का दुलाल, मेरा भाई मेरा यार गोंड का अहंकार कोमाराम भीम। हालांकि इस वॉइस ओवर में हल्का साउथ इंडियन टच आता है, लेकिन जिसने ये लाइन लिखी है बहुत अच्छी है और वो दिल को छू जाती है। जूनियर NTR के इस लुक को अजय देवगन ने भी शेयर किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भीम के बारे में बताने के लिए हमारे रामा राजू से बेहतर और कौन हो सकता है। आपके सामने भीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले 21 अक्टूबर को जूनियर NTR की झलक शेयर की थी। इससे पहले वो भाला उठाते हुए दिख रहे हैं। फिल्म में रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस और दूसरे कलाकार भी दिखाई देने वाले हैं। ये मूवी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और बद्रीनाथ असम बंगाल और नेपाल तक की यात्रा की थी, सीताराम लड़ गए थे। अगर गौर से दोनों टीजर को देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी भी रिवील हो जाती है। और क्या शुरू हुई RRR की क्लाइमेक्स की शूटिंग क्या बाहुबली को मात दे पाएगी RRR? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़। मैं सोनिका जैल। मगध हीरा, बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को बनाने वाले निर्माता SS राजामौली ने मंगलवार को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR का क्लाइमेक्स शूट की शूटिंग की जानकारी दे दी है। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया है। लोगों के लिए फिल्म की बेताबी बढ़ती ही जा रही है। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली फ्रेंचाइजी का निर्माण करने वाले निर्देशक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू हो गई है। मेरे रामा राजू और भीम उस चीज के लिए एक साथ आए हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने दोनों के हाथ जुड़ी हुई तस्वीर शेयर की है। दोनों के हाथ दिख रहे हैं जो कि खून और पट्टी में नजर आ रहे हैं। वहीं RRR में आपको बता दें बॉलीवुड सितारे भी होने वाले हैं, आलिया भट्ट, अजय देवगन और तेलुगु स्टार रामचरण और जूनियर NTR। ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता रामचरण ने व्यक्त किया, अत्यधिक चार्ज। एक अन्य प्रमुख अभिनेता जूनियर NTR ने भी ट्वीट किया, सुपर एक्सक्लूसिव। वहीं आपको बता दें इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है। बीते दिनों आलिया भट्ट दिसंबर में अपने शूट के लिए हैदराबाद पहुंची थी, जिसकी तस्वीर राजामौली ने शेयर की थी और लिखा था, हमारी प्रिय सीता का RRR के सेट पर गर्मजोशी से स्वागत है, बेहद काबिल और खूबसूरत आलिया भट्ट। और दोनों की तस्वीरें काफी स्टनिंग लग रही थी और दोनों हंसते मुस्कुराते ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों आपको बता दें ये कहानी स्वतंत्रता सेनानियों की होने वाली है, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की, और इन दोनों का किरदार कर रहे हैं जूनियर NTR और रामचरण। अजय देवगन इसमें अहम भूमिका नजर आएंगे, अहम भूमिका में, और साथ ही वो इन दोनों को मार्गदर्शन देते हुए इस फिल्म में नजर आएंगे। और उनके अपोजिट इस फिल्म में श्रेया शरण नजर आएगी, जो कि दृश्यम में भी नजर आ चुकी है। इसके अलावा रामचरण के अपोजिट आपको आलिया भट्ट नजर आएगी और जूनियर NTR के अपोजिट आपको हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस इस फिल्म में नजर आ सकती हैं। फिल्म का जो टीज़र रिलीज किया गया है, जिसमें कि एक बार रामचरण का लुक शेयर किया गया है, उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि हमारे जूनियर NTR का लुक शेयर किया गया है, दोनों ही बहुत स्टनिंग है। अब तक बहुत सारे व्यूज़ इस फिल्म के टीज़र ने ही अकेले बटोर दिए हैं। अब अजय देवगन के लुक का भी इंतज़ार है कि कब इसे रिलीज़ किया जाएगा, और धमाकेदार ये टीज़र होने वाले हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर RRR जो फिल्म है
वही है जो कि बाहुबली को टक्कर दे सकती है, क्योंकि बाहुबली के डायरेक्टर ही इसे बना रहे हैं और भव्य सेट लगाया जा रहा है चारों तरफ, हो हल्ला ऑलरेडी इस फिल्म के लिए हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कब इसे रिलीज़ किया जाएगा, क्या बाहुबली डेट्स को ही टारगेट किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको कितना इंतजार है ट्रिपल आर का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। को कब रिलीज़ किया जा रहा है, इसकी रिलीज डेट को लेकर के एसएस राजामौली क्यों घबरा गए हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली की ट्रिपल आर को देखने के लिए ऑडियंस उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। हर कोई इस मूवी की रिलीज तारीख को जानने के लिए उत्सुक है। मूवी में इंडियन स्टार्स के अतिरिक्त हॉलीवुड के एक्टर भी काम कर रहे हैं, इसीलिए इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म कहा जा रहा है। फिल्म की अभिनेत्री एलिसन डूडी ने गलती से फिल्म की रिलीज अपने सोशल मीडिया पर लीक कर दी थी। आयरिस अभिनेता एलिसन डूडी ने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया था, ट्रिपल आर 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज हो रही है। हालांकि थोड़ी देर पश्चात ही अभिनेत्री ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया। मेकर्स ने अभी तक ट्रिपल आर के रिलीज की दिनांक के बारे में कुछ भी ऑफिशियल पोस्ट नहीं किया है। ट्रिपल आर को तेलुगु एवं हिंदी में शूट किया जा रहा है तथा इसे अन्य लैंग्वेज में डब किया जाएगा। रामचरण तथा जूनियर एनटीआर लीड किरदार में नजर आएंगे। मूवी में इन दोनों के अतिरिक्त और भी बॉलीवुड के एक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें आलिया भट्ट और अजय देवगन शामिल हैं। जूनियर एनटीआर एवं रामचरण स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम तथा अलूरी सीताराम राजू का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म के निर्देशक एसएस राजामौली ने जानकारी देते हुए कहा था कि उन्होंने फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट किया है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर। ट्रिपल आर फिल्म की खास बातें क्या हैं? स्वतंत्रता सेनानी अलोरी सीताराम राजू की कहानी क्या है और ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड क्यों तोड़ देगी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली फेम एसएस राजामौली की ट्रिपल आर ये बड़े बजट में बनने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म है। कहानी होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता सेनानी अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अजय भी कोई असली करेक्टर ही प्ले करेंगे। अब इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल आर में अजय सरदार भगत सिंह के रोल में दिखाई देंगे। यही वो किरदार होगा जो सीताराम राजू और कोमाराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करेगा। इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेरित, लेकिन कहने के तरीके में थोड़ा मिलावट रहेगी। खबरों की माने तो उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शन रखा जाएगा। सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले में पौंड्री गांव में हुआ। उनके पिता अलोरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया और ये हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की ये बातें घर कर गई। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दौरा का नाम भी आता है, जिनका अपना वनवासी संगठन था। इस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बिरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत बलशाली हो चुका। पुलिस राजू से थरथर कांपती थी। वो ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देता था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि बनवासी अपने नेता को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी समान व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय के बाद सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया और सैन्य संगठन की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण रंपा क्षेत्र को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना लिया। मालाबार को पर्वतीय क्षेत्र छापामार युद्ध के लिए अनुकूल था। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों का पूरा सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। आंदोलन के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले लोग उनके साथ, इसीलिए आंदोलन को गति देने के लिए गुदेम में गांव मल्लू डोरे और गांव गौतम डेरे बंधुओं को लेफ्टिनेंट बनाया। आंदोलन को और तेज करने के लिए उन्हें आधुनिक शस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सैनिकों के सामने धनुष बाण लेकर अधिक देर तक टिके रहना आसान नहीं था। इस बात को सीताराम राजू भलीभांति समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने डाका डालना शुरू किया। इससे मिलने वाले धन से शस्त्रों को खरीद परोत करने लगे और उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला करना शुरू किया। 22 अगस्त 1922 को उन्होंने पहला हमला चिंतापल्ली में किया, अपने 300 सैनिकों के साथ शस्त्रों को लूटा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी। फिल्म की खास बातें क्या हैं और ये फिल्म बाहुबली का
रिकॉर्ड क्यों तोड़ देगी। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली फेम SS राजामौली की ट्रिपल आर ये बड़े बजट में बनने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म है। कहानी होगी आंध्र प्रदेश के दो क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता सेनानी अलोरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। फिल्म में ये दोनों किरदार निभा रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR। इन लोगों के साथ फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन को भी लिया गया है, जो छोटे मगर मजबूत किरदारों में दिखाई देंगे। ये फिल्म रियल हस्तियों से प्रेरित है, ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अजय भी कोई असली कैरेक्टर ही प्ले करेंगे। अब इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल आर में अजय सरदार भगत सिंह के रोल में दिखाई देंगे। यही वो किरदार होगा जो सीताराम राजू और कोमाराम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करेगा। इस फिल्म की कहानी तो रियल लोगों से प्रेरित, लेकिन कहने के तरीके में थोड़ा मिलावट रहेगी। खबरों की माने तो उन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी बिल्कुल रियल न रखते हुए थोड़ा फिक्शन रखा जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनकी कहानी को और डिटेल में जानना है तो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी। कौन से किरदार में दिखने वाले हैं अजय देवगन फिल्म RRR में? फिल्म RRR में काम करने के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं अजय? आज हम बात करने जा रहे हैं SS राजमौली की फिल्म RRR की, जिसमें चर्चा होगी अजय देवगन के रोल को लेकर। हमने करीब एक महीने पहले ही आपको बता दिया था कि इस फिल्म में अजय देवगन का अहम रोल होने वाला है, और अब इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। बाहुबली के निर्देशक SS राजमौली की फिल्म रामा रावण राजमय यानी कि RRR इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म में अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में हैं। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक SS राजमौली अब रामा रावण राजमय मतलब RRR फिल्म बनाने जा रहे हैं। इससे जुड़ी नई और बड़ी जानकारी ये है कि इस फिल्म में अभिनेता रामचरण और जूनियर NT राम राव के साथ अजय देवगन भी नजर आएंगे। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है। SS राजमौली के निर्देशन में 300 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म का नाम रामा रावण राजमय रखा गया है। इस फिल्म के जरिए दो साउथ सुपरस्टार साथ में नजर आएंगे। फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में है, लेकिन अजय देवगन का भी अहम रोल होगा और साथ ही वह एक गाने में भी नजर आ सकते हैं। एक्टर अजय देवगन ने इस साल की धमाकेदार शुरुआत की है। उनकी पिछले साल की रिलीज तानाजी ब्लॉकबस्टर रही और साथ ही इसने 4 हफ्ते लगातार बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। वहीं इस फिल्म के बाद अब बाहुबली निर्देशक SS राजमौली की फिल्म RRR में काम वाले हैं। फैंस के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अजय राजमौली की इस फिल्म के लिए कितनी फीस ले रहे हैं। राजमौली जिस कद की फिल्में बनाते हैं उनसे सभी वाकिफ हैं। उनकी पिछली दो फिल्में बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ने बम्पर कमाई की थी। ऐसे में इस सवाल का उठना वाजिब भी है, लेकिन हम बता दें कि अजय RRR के लिए कोई फीस नहीं ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने जब अजय को RRR के लिए उनकी फीस देनी चाही तो अजय ने इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि अजय ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजमौली उनके अच्छे दोस्त हैं। देखना। क्या RRR में आलिया भट्ट अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली है? क्या होने वाली है RRR की खास बातें? कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। बहुत टाइम से RRR की बातें चल रही है। इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई थी कि दिवाली के मौके पर इस साल इसे रिलीज किया जाएगा, और तभी मैदान भी रिलीज हो रही है, तो एक क्लैश देखने को मिल सकता है। और इस क्लैश से जो मैदान के मेकर्स है वो भी काफी नाराज हो गए थे SS राजामौली से, क्योंकि मैदान के मेकर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी रिलीज डेट। उसके बाद RRR के जो मेकर हैं और डायरेक्टर है SS राजामौली, उन्होंने अनाउंस किया, तो इसकी वजह से बोनी कपूर बहुत नाराज थे कि ऐसा क्यों किया।
लेकिन अब कर क्या सकते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें, आलिया भट्ट इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म कंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग में बिजी है। ट्रिपल आर को दशहरे के मौके पर रिलीज करना है। इससे पहले आलिया भट्ट ट्रिपल आर से बहुत सारे लुक अपने शेयर कर चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार अब इस फिल्म का हो रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो आलिया भट्ट ट्रिपल आर में एक गाना और डांस नंबर कर सकती है। इस डांस नंबर को खुद आलिया भट्ट गा सकती है, लेकिन ये जो फिल्म होगी मतलब वो हिंदी वर्जन होगा। और ट्रिपल आर आप जानते हैं पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में इसे रिलीज किया जाना है। वहीं आलिया भट्ट के अलावा इसमें अजय देवगन, साउथ के दो बड़े सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण होने वाले हैं। श्रेया चरण इसमें होने वाली है अजय देवगन के अपोजिट, जो कि दृश्यम में भी नजर आ सकती है, जो कि दृश्यम में भी नजर आ चुकी है और बहुत पसंद की गई थी इनकी केमिस्ट्री। और एक बार फिर से ट्रिपल आर में इतने बड़े बड़े कलाकार हमें एक साथ देखने को मिल सकते हैं। ये मेगा बजट फिल्म है एसएस राजा मौली की, और इसमें अब आलिया भट्ट का एक गाना भी हो जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे पहले भी आलिया भट्ट बहुत सारी फिल्मों में गा चुकी हैं, जैसे कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का समझावा सॉन्ग गाई जैसे कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का समझावा सॉन्ग उन्होंने गाया था। इसके अलावा हाईवे का सोहा साहा सॉन्ग गाया था, उड़ता पंजाब का एक कुड़ी से तो उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उन्होंने हमसफर सॉन्ग गाया था और डियर जिंदगी का लव यू जिंदगी। बहुत सारे प्रतिभाएं आलिया भट्ट के पास, और अब उनको जो ये साउथ डेब्यू होने वाला है उसके लिए उनके फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत बेहतरीन ये फिल्म होने वाले है। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी कहानी दिखाई जाएगी और मार्गदर्शन करेंगे अजय देवगन इस फिल्म में। तो बेहतरीन ये फिल्म है दोस्तों। आपको कितना इंतज़ार है ट्रिपल आर का? आपको क्या लगता है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी, मैदान को टक्कर दे पाएगी और क्या बाहुबली जितना रिकॉर्ड बना पाएगी? दोस्तों, इंडिया की और डायरेक्टर एसएस राजमौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर को लेकर एक खास खबर सामने आई है। खबर ऐसी है कि सिंगर ये न्यूज सुनने के बाद जल भुन जाएंगे, क्योंकि उनका काम भी अब आलिया भट्ट ने छीन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट अपने इस फिल्म में खुद के लिए दो सॉन्ग्स गाने वाली हैं। रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टार ट्रिपल आर में आलिया भट्ट एक गाना और एक डांस नंबर को अपनी आवाज दे सकती हैं। ये तो नहले पे दहला हो गया साउथ इंडस्ट्री में एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग डेब्यू भी। वेल दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी फिल्मों में आवाज दे चुकी हैं आलिया भट्ट। ट्रिपल आर से पहले आलिया ने डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे में अपनी आवाज दे चुकी हैं। उस फिल्म में उन्होंने गाना गाया था सुहा साहा, हाईवे वही जिसमें लीड रोल में थे आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा। इसके अलावा शशांक खेतान की हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में समझावा सॉन्ग, इस फिल्म में लीड रोल में थे वरुण धवन और आलिया भट्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये फिल्म याद होगी तो ये काइंड ऑफ DDLJ फिल्म, जो कि शाहरुख खान और काजोल की एपिक फिल्म है, उस थीम पर बेस्ड थी। क्योंकि देखा जाए तो कहानी लगभग सेम थी, बस फर्क इतना सा था कि जहां एक तरफ सिमरन को बाबूजी कहते हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, वहीं दूसरी तरफ हम्टी शर्मा में आलिया भट्ट के फादर साहब वरुण धवन को कहते हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी। दोस्तों, जहाँ DDLJ में काजोल शादी से पहले घूमने स्विट्जरलैंड जाती है, उन्हें इत्तेफाक से शाहरुख खान मिल जाते हैं, दोनों में आगे चलकर प्यार हो जाता है। काजोल उसके बाद अपने घर वापस आ जाती हैं, शादी की तैयारियां कर रही होती हैं। राज आते हैं और बाऊजी यानी कि अमरीश पुरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इन लास्ट बाऊजी मान जाते हैं और फिर कहते हैं, वहीं हम्टी शर्मा में आलिया लहंगे के लिए पैसे जुटाने के लिए बाहर जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है हम्टी से। दोनों के बीच इश्कबाजी होती है और फिर अचानक आलिया अपने घर आ जाती हैं। कुछ दिन बाद हम्टी भी वहां पहुंचते हैं, आलिया के फादर साहब को पूरी कोशिश करते हैं इम्प्रेस करने की, और लास्ट में क्या होता है, उनके फादर साहब मान जाते हैं। और ये डायलॉग, बाय द वे दोस्तों, हम बात कर रहे थे ट्रिपल आर के बारे में, तो दो सॉन्ग तो फाइनल हो गए कि आलिया भट्ट उन्हें गाएंगी, लेकिन आगे कौन और से सिंगर ज्वाइन करेंगे ट्रिपल आर में, इस बारे में कोई भी अपडेट अभी सामने नहीं आई है। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। आपको बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हो रही है 13 अक्टूबर 2021 में।
फिल्म 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा कि और कौन कौन से सिंगर ज्वाइन करते हैं ट्रिपल आर को। वेल, इस अपडेट के बारे में और आलिया भट्ट की सिंगिंग के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। राजी, परमाणु और कितनी मूवी बनी है बॉलीवुड में? बॉलीवुड और टॉलीवुड में क्या फर्क है? मूवी बनाने में कब रिलीज होने जा रही है फिल्म RRR? फिल्म RRR से पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐतिहासिक फिल्म बनी है। निर्देशक करण जौहर ने 1940 में दशक के एक पुराने पीरियड ड्रामा कलंक पर फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम पहले शिद्दत रखा जाने वाला था, लेकिन इसे बदल कर वापस कलंक कर दिया गया। यह फिल्म 10 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई। इसका निर्देशन अभिषेक वर्मा ने किया। बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद और हालांकि इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बता दें, इस फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर जैसे बड़े स्टार अहम किरदारों में थे। ऐसे कई साल बाद होगा जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक साथ काम किया होगा। गौरतलब है कि पहले शिद्दत, जिसका नाम बदलकर कलंक हो गया है, उसमें श्रीदेवी मुख्य भूमिका निभाने वाली थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका किरदार माधुरी ने किया। इस फिल्म के अलावा पिछले साल कई फिल्म जो इतिहास में ताल्लुक रखती थी, उनमें से एक थी आलिया भट्ट की फिल्म राजी। 1971 में हुई इंडो पाकिस्तान की जंग पर आधारित थी। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय जासूस का किरदार अदा किया था। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आलिया के अलावा एक्टर विक्की कौशल भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। धर्मा प्रोडक्शन और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में राजी की शूटिंग कश्मीर, मुंबई और पंजाब में की गई थी। यह फिल्म 11 मई को रिलीज हुई, जिसमें विक्की और आलिया की जोड़ी को काफी सराहा गया। अब बात करते हैं कि कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की। ये कहानी रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई। खास बात यह है कि इस फिल्म में टीवी एक्टर अंकिता लोखंडे ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 3 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिर स्क्रीन पर आई आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी 19वें दशक का एक पीरियड ड्रामा थी। इस फिल्म में आमिर के अलावा अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, जायरा वसीम मुख्य किरदारों में थे। यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई, जो काफी पसंद की गई थी। परमाणु 1998 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण पर आधारित थी। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम को डायना पेंटी ने लीड रोल निभाया। फिलहाल फिल्म में लीगल मुद्दों में फंस रही है, लेकिन बाद में यह रिलीज भी हुई और काफी ज्यादा हिट हुई थी। अब यह फिल्म इतिहास को याद दिलाने वाली मूवी थी। ऐसी ही फिल्म अब SS राजामौली लेकर आ रहे हैं, जिसमें साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR दिखने वाले। ये मूवी 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी और हमारी आज की इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और आपके फिल्मी नर्ड को शांति मिली है, तो बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए। मैं हूँ पूनम और आज की हमारी RRR की हीरोइन आलिया के वार्डरोब में क्या क्या शामिल है? आलिया हर बार क्यों बन जाती है अपनी ड्रेसेस को लेकर लोगों का शिकार? कितनी कीमत थी आलिया की अजीब ड्रेस की? बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी शानदार एक्टिंग के अलावा अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। आलिया भी टाउन की उन हसीनाओं में से एक हैं जिन्हें अपने आउटफिट्स को स्टेटमेंट बनाना पसंद है। एक्ट्रेस के पास न केवल एक स्टाइलिश वार्डरोब है, बल्कि क्लासी, ट्रेंडी और ग्लैमरस दिखने वाले सिल्हुएट्स का कलेक्शन ऐसा है जिसमें वह कभी भी स्टाइलिश दिखने में फेल नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतनी बड़ी फैशनिस्टा होने के बाद भी आलिया अभी तक ये नहीं समझ पाई कि मौके के हिसाब से उनके कपड़ों का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। हालांकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आलिया की अलमारी फैशन के हिसाब से अपग्रेड नहीं है, या एक्ट्रेस को सिंपल लेकिन एलिगेंट दिखने वाले लुक्स में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होने के चक्कर में आलिया अक्सर लोगों के निशाने पर आ ही जाती हैं। दरअसल आलिया भट्ट को उस समय लोगों ने अपना निशाना बना लिया। स्टार स्टड्स शाम के लिए आलिया भट्ट के साथ कैटरीना कैफ, शाहरुख खान, फराह खान, करिश्मा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सितारे अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही लोगों की नजरें आलिया के पहनावे पर पड़ी तो हर कोई उन्हें देखकर बिगड़ गया। इस इवेंट के लिए आलिया ने बहुत ही कैजुअल कपड़ों को पहना था, जो कि किसी बड़े डिजाइनर की सस्ती कॉपी लग रहे थे। अपने लुक को पूरा करने के लिए आलिया भट्ट ने स्पैनिश फैशन लेबल ज़ारा का डिजाइन किया हुआ था 2-पीस सेपरेट सेट पहना था।
जिसमें लूज फिटिंग वाला ब्लैक कैमिसोल टॉप के साथ झिलमिलाते पैटर्न वाली सीक्वेंस स्कर्ट शामिल थी। आलिया के इस क्वर्की अटायर को बनाने में जॉर्जेट और सीक्वेंस फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें टॉप को जॉर्जेट तो स्कर्ट को मल्टीशेड सीक्वेंस में डिजाइन किया गया था। एक तरफा जहां आलिया की ड्रेस पहले से ही लोगों के निशाने पर थी, तो वहीं इस दौरान एक्ट्रेस की स्टाइलिंग भी काफी अजीब लग रही थी। अपने पहनावे को कंप्लीट करने के लिए आलिया ने लाइट बेस फाउंडेशन के साथ स्मोकी आईज, डार्क आई शेडो, बीमिंग हाइलाइटर, ब्लशी चीक्स, न्यूड लिप शेड और बालों को मिडिल पार्टेड लुक में लॉक करते हुए अपनी पोनीटेल में स्टाइल किया था, जिसके साथ कंट्रास्टिंग इफेक्ट ट्रेड करते हुए आलिया ने पीला क्लच कैरी किया था, जो इस पहनावे को हाईलाइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। बात करें आलिया भट्ट के इस ओवरऑल अटायर की, तो एक्ट्रेस की यह स्कर्ट सिर्फ 4000 रुपए की है, तो वहीं न्यूयॉर्क फैशन बेस्ड एडी पार्कर का डिजाइन किया गया ये येलो क्लच 95,000 रुपीस का है, जिसे आलिया कई खास मौके पर कैरी करती नजर आ चुकी हैं। खैर जो भी हो, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस अटायर में आलिया बोल्ड अट्रैक्टिव दिखने की बजाय खोई हुई सी ज्यादा नजर आ रही थी। खैर ये तो आलिया पर निर्भर करता है कि वो कैसे कपड़े पहने और कैसे नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आलिया और RRR से जुड़ी हर जानकारी के लिए से जुड़े, ये कहानी लिखी है मनीषा जैन ने और इसे रिसाइट किया है प्रशा ने। धन्यवाद। राजामौली इन दिनों एक और मेगा फिल्म बना रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है RRR। इस फिल्म में रामचरण तेजा और NTR जूनियर लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में दो एक्ट्रेसेस समेत कई विदेशी कलाकार अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। इनमें से एक है ओलिविया मॉरिस। फिल्म के ट्विटर हैंडल से इसका खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म में ओलिविया के किरदार का नाम जेनिफर है। ओलिविया मुख्य रूप से सेवन ट्रेल्स इन सेवन डेज मिनी सीरीज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से तेलुगु में बन रही RRR एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो दो स्वतंत्रता सेनानियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जंग लड़ी थी। ओलिविया के अलावा एक और विदेशी एक्ट्रेस के RRR में होने की खबर आ रही है। ये है आयरिश एक्ट्रेस एलिसन डूडी। एलिसन ने जेम्स बॉन्ड फिल्म अ व्यू टू अ किल से फिल्मों में डेब्यू किया था, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। 53 साल की एलिसन की कास्टिंग 36 साल के NTR के साथ वाकई चौंकाने वाली है। एलिसन इंडियाना जॉन्स एंड द लास्ट क्रूसेड और द एक्टर्स जैसी फिल्मों में दिख चुकी हैं। आखिरी बार वो डिविजन 19 में नजर आई थी, जो 2017 में रिलीज की गई थी। RRR में एलिसन के किरदार का नाम लेडी स्कॉट है, जो प्रति नायिका का है। RRR में तीसरे विदेशी कलाकार है रेस्टी वेंसन, जो फिल्म में स्कॉट नाम के ब्रिटिश का नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। ये भी आयरिश कलाकार हैं, जो थॉर रेग्नारोक, द ट्रांसपोर्टर, रिफ्यूल्ड और एक्सीडेंट मैन जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बाहुबली जैसी भव्य और विशाल फिल्म सीरीज बनाने के बाद राजामौली इस फिल्म में जुट गए हैं। ये एक मेगा बजट फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें बड़े बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। फिल्म का बजट करीब 350 से 400 करोड़ बताया जा रहा है और ये फिल्म 30 जुलाई 2020 में रिलीज की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा कि दोनों कलाकार के किरदार इतने पावरफुल और संतुलित हैं कि फिल्म शुरू होने के बाद दर्शकों को NTR जूनियर और रामचरण तेजा नजर नहीं आएंगे। तो आप RRR को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। RRR को लेकर एक खास खबर सामने आई है। खबर ऐसी है कि सिंगर ये न्यूज इस फिल्म में खुद के लिए दो सॉन्ग्स गाने वाली हैं। रामचरण और जूनियर NTR स्टार RRR लीड रोल में हैं, जबकि फिल्म में बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट और अजय देवगन भी
लीड रोल निभाते नजर आएंगे। दोस्तों देखा जाए तो फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भारी क्रेज है। इस बीच फिल्म को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म डायरेक्टर SS राजमौली और जूनियर NTR के बीच इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी वजह है फिल्म का लंबा शूटिंग शेड्यूल। रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर NTR इस फिल्म की शूटिंग से फ्री होकर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग में हो रही लगातार देरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। खबरें हैं कि जूनियर NTR डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास और KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू करना चाहते हैं, जिसमें RRR की शूटिंग का पूरा ना हो पाना दिक्कत पैदा कर रहा है। जूनियर NTR RRR की शूटिंग से पूरी तरह फ्री होकर ही अपनी अगली फिल्म को शुरू करना चाहते हैं। इस बीच उनके को स्टार रामचरण ने RRR की शूटिंग के बीच से ही वक्त निकाल कर होम प्रोडक्शन फिल्म आचार्य की शूटिंग पूरी कर डाली। अब जूनियर NTR भी अगली फिल्म में काम करने के लिए एक्साइटेड है, जो कि हो नहीं पा रहा है। पहले कोरोना वायरस, फिर डायरेक्टर SS राजमौली को कोरोना का शिकार होना, फिर आलिया भट्ट और अजय देवगन की शूटिंग के लिए सेट को देर से ज्वाइन करने जैसी कई बातों की वजह से फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल लेट होता रहा है। हालांकि अभी ये और कितना लंबा चलेगा शूट शेड्यूल, ये कहना बहुत मुश्किल है। वेल, हम सभी जानते हैं SS राजमौली को, जब तक काम पूरा नहीं होता और परफेक्ट नहीं होगा तब तक वो फ्री नहीं करेंगे किसी को। जहाँ एक तरफ ये अच्छी बात भी है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे को एक्टर को इससे प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म तेलुगु फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू और कोहराम भीम की कहानी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने जाने वाली है। वेल, फिल्म को लेकर सभी एक्साइटेड हैं, बस इंतजार है फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज होने का। वेल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहें RRR। क्या देखने को फिल्म के लिए उत्साहित है? आखिर किस वजह से SS राजामौली जूनियर NTR से है परेशान? कब रिलीज होने वाली है SS राजामौली की RRR? क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्म बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में है, जबकि फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भी भारी भरकम क्रेज है। इस बीच फिल्म को लेकर एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म निर्देशक SS राजामौली और जूनियर NTR के बीच इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसकी वजह फिल्म का लंबा शूटिंग शेड्यूल बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर NTR इस फिल्म की शूटिंग से फ्री होकर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग में हो रही लगातार देरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। खबरें हैं कि जूनियर NTR निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास और KGF चैप्टर 1 के जो डायरेक्टर है प्रशांत नील, उनके साथ अपने प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। जूनियर NTR RRR की शूटिंग से पूरी तरह से फ्री होकर अपनी अगली फिल्मों का काम शुरू करना चाहते हैं। इस बीच उनके कोस्टार रामचरण ने RRR की शूटिंग के बीच से ही वक्त निकालकर होम प्रोडक्शन फिल्म आचार्य की शूटिंग पूरी कर डाली है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है RRR का और आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म जो है वो बाहुबली 2 को टक्कर देगी? ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें, दशहरे के मौके पर डंका बजाने को तैयार है ये फिल्म, तो कितना वेट है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड। कौन है और क्यों है सीता करोल फिल्म RRR में? क्या कोई वास्ता है राम और स्वतंत्रता सेनानियों का, माता सीता, या फिर सिर्फ एक किरदार का नाम है सीता? नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं पंखुरी और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म RRR के ऐसे किरदार की जो काफ़ी समय से सोशल मीडिया की लाइमलाइट बना हुआ है। कभी बॉयफ्रेंड के बिना बर्थडे पार्टी मनाने पर, तो कभी बोल्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के पोस्टर के न्यूज़ में छाई हुई है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आलिया भट्ट की बात कर रहे हैं। बता दें कि ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली और बाहुबली 2 का निर्देशन कर चुके दिग्गज फिल्म निर्देशक SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में जूनियर NTR, रामचरण और आलिया भट्ट अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म के अब तक के रिलीज किए गए पोस्टर में NTR और रामचरण का लुक तो रिलीज किया जा चुका है, लेकिन आलिया के लुक पर फैंस को अभी भी इंतजार है। हालांकि इंतजार की ये घड़ियां अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि फिल्म से आलिया का लुक रिलीज किया जा चुका है।
फिल्म के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी शनिवार को जारी की गई कि 15 मार्च को मेकर्स फिल्म से आलिया का लुक रिलीज करेंगे। ट्वीट में बताया गया कि आलिया फिल्म में सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। हालांकि उनका लुक कैसा होगा ये जानने के लिए थोड़ा और सब्र रखना होगा। फिर 15 मार्च को सुबह 11 बजे फिल्म से एक्ट्रेस का लुक रिवील किया गया। राजमौली की ये अपकमिंग फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है जिसका प्रोडक्शन डीवीवी दान्या ने किया है। फिल्म बीते साल ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड के चलते इसकी शूटिंग और अन्य काम पोस्टपोन हो गए, जिसके बाद मेकर्स अब इस साल इस फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं। इस साल 13 अक्टूबर को यह फिल्म रिलीज की जाएगी। पहले इसकी रिलीज डेट 8 जनवरी तय की गई थी लेकिन सिनेमाघरों पर लगे लंबे प्रतिबंधों के चलते इसे आगे खिसका दिया गया। बता दें कि फिल्म में अजय देवगन और श्रिया सरन भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर अब तक रिलीज नहीं किया गया है और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। ये सब तो ठीक है लेकिन एक्शन फिल्म में सीता क्यों? ये ना तो आदि पुरुष है ना ही रामायण का सेट, फिर इसमें सीता का रोल क्यों? अगर आप भी इस सीता के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक। धमाकेदार होगा आरआरआर का क्लाइमैक्स सीन। तेलुगु निर्देशक एसएस राजमौली अपनी फिल्मों की भव्यता और विशाल कैनवस के लिए जाने जाते हैं। बाहुबली सीरीज की फिल्में इसकी मिसाल है, जिन्होंने ना सिर्फ दिल जीते बल्कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। राजमौली अब पीरियड फिल्म आरआरआर बना रहे हैं जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों से निकली है। इस फिल्म का आखिरी पड़ाव आ गया है और राजमौली क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे हैं जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। राजमौली ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें दो हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, दोनों हाथ जख्मी हैं। राजमौली ने इस फोटो के साथ लिखा, क्लाइमैक्स की शूटिंग शुरू हो गई है, मेरे राम राजू और भीम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साथ आ गए हैं जिसे पूरा करना था। बता दे आरआरआर में रामचरण और एनटीआर जूनियर लीड रोल्स में हैं। क्लाइमैक्स इन्हीं दोनों पर फिल्माया जा रहा है। फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। आलिया के किरदार का नाम सीता है। तस्वीर राजमौली ने शेयर की थी, इसके साथ उन्होंने लिखा था, हमारी प्रिय सीता का आरआरआर के सेट पर गर्म जोशी से स्वागत है, बेहद काबिल और खूबसूरत आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का यह तेलुगु डेब्यू है। बता दे आरआरआर का पूरा नाम रौद्रम रनम रुदीरम है। मूल रूप से तेलुगु में बन रहे आरआरआर हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। फिल्म की कहानी दो स्वतंत्रता सेनानियों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जंग लड़ी थी। फिल्म में दो एक्ट्रेसेस समेत कई विदेशी कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म में जूनियर एनटीआर के किरदार का पूरा नाम कोमरम भीम है। कोमरम भीम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में राजमौली ने बताया था कि उन्होंने पारंपरिक तौर तरीकों से शिक्षा हासिल नहीं की थी और जवानी में यह अपना गांव छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब वापस आए तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए निजाम के शासन और के खिलाफ जंग लड़ी थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई थी और बाद में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। यह एक मेगा बजट फिल्म है जिसका बजट 350-400 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक कब रिलीज होने वाला है, इस बारे में एक्ट्रेस ने क्या कहा, क्या होने वाली है ट्रिपल आर की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। बॉलीवुड फिल्म अदाकार आलिया भट्ट इन दिनों अपने करियर के बेहतरीन मुकाम पर है। एक्ट्रेस के हाथों में कई शानदार प्रोजेक्ट्स है, मतलब की संजय लीला भंसाली, एसएस राजामौली, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ फिल्में आ रही है आलिया भट्ट की। वहीं हाल ही में फिल्म निर्माताओं ने
ऐलान किया है कि वो अदाकारा आलिया भट्ट के किरदार का फर्स्ट लुक रिलीज करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ मेकर्स ने खुलासा किया है कि इस फिल्म में आलिया भट्ट सीता नाम का किरदार निभाएंगी। आलिया भट्ट फिल्म के लीड एक्टर रामचरण के अपोजिट नजर आने वाली है। इसी के साथ एक्ट्रेस इस फिल्म के साथ साउथ सिने जगत में एंट्री मारने वाली है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे काफी बड़े स्तर पर बनाया जाना है। फिल्म के लीड रोल में टेम्पर स्टार जूनियर NTR है। फिल्म की कहानी दो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की है जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी। और हाल ही में गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर में आपने उन्हें देखा होगा। कमाल की लग रही है, एक्टिंग कमाल की है। आलिया के साथ साथ ये बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की भी पहली साउथ इंडियन फिल्म है। इस फिल्म के साथ अजय देवगन भी साउथ इंडियन जगत में एंट्री कर रहे हैं। फिल्म में उनका किरदार खासा इंटेंस होगा, वो एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल में दिखेंगे। फिल्म की कहानी में एक मजबूत कड़ी निभाने वाले हैं वो। और अभी तक मेकर्स ने अजय देवगन के किरदार का खुलासा नहीं किया है, उनका भी फर्स्ट लुक आना बाकी है। वहीं आपको बता दें ये फिल्म इसी साल दशहरे के मौके पर यानी कि 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म को DVP मूवीज के प्रोडक्शन तले बनाया है। इससे पहले जूनियर NTR और रामचरण का लुक शेयर किया गया है और एक टीजर के जरिए इनका लुक शेयर किया गया, इनकी कहानी थोड़ा बहुत बयां की गई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जब खासकर जूनियर NTR का वो टीजर रिलीज किया गया था तो वो वाकई दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला था और इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला था। आप ओलिविया मॉरिस दिखेंगी, साथ में श्रेया शरण दिखेंगी, अजय देवगन के अपोजिट दिखेंगी श्रेया शरण जो कि दृश्यम में भी नजर आ चुकी है। इनकी केमिस्ट्री कमाल की है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है RRR का? आलिया के इस वक्त को खिलाफ कितने बेताब है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक कैसे सभी को दीवाना बना रहा है? क्या होने वाली इस फिल्म की खास बातें? कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। आलिया भट्ट का आज बर्थडे है और अपने बर्थडे के खास मौके पर आलिया ने अपकमिंग फिल्म RRR का पहला लुक शेयर किया है। इससे पहले उन्होंने रविवार को ये लुक शेयर किया था लेकिन फेस रिवील नहीं किया गया था। लेकिन जो ये लुक शेयर किया गया है वाकई दीवाना बनाने वाला है। जैसा कि इस फिल्म में उनका नाम होने वाला है सीता, उसी तरह की मासूमियत उनके चेहरे पर दिख रही है। ग्रीन साड़ी उन्होंने पहनी हुई है जिसमें काफ़ी स्टनिंग लग रही है, काफ़ी सीरियस मोड में नज़र आ रही है। मांगटी का पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई थे। साथ में आपको बता दें कि उनके जो हेयर है वो कर्ली है लेकिन उन्होंने बांधे हुए हैं, काफ़ी सुंदर नज़र आ रही है। और इस फिल्म के लिए उनकी जो एक्साइटमेंट है फैंस को वो बढ़ा रही है। वहीं इस फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण एक साथ धूम मचाने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड स्टार्स और जो साउथ के दो सुपरस्टार है उनका संगम है, इसीलिए मोस्ट अवेटेड फिल्म ये खुद को बना लेती है। वहीं आपको बता दें कि 5 भाषाओं के थिएटरिकल राइट्स ऑलरेडी बेच दिए गए हैं जिसको 348 करोड़ में बेचा गया है। दक्षिण में बिके राइट्स की बात करें तो निज़ाम में इसके राइट 75 करोड़ के बिके। वहीं आंध्र प्रदेश में 165, तमिलनाडु में 48, मलयालम में 15 करोड़ और कर्नाटक में 45 करोड़। यानी कि रिलीज से पहले ही इसने 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। लेकिन जब ये रिलीज़ होगी तो सोचिए क्या होगा। अब SS राजामौली इसे डायरेक्ट कर रहे हैं यानी कि बाहुबली डायरेक्टर, और बाहुबली डायरेक्टर ही वो डायरेक्टर है जो अपनी फिल्म बाहुबली को टक्कर दे सकते हैं। यानी कि RRR वो फिल्म हो सकती है जो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी जो कि हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। और ये वाला आने वाला टाइम बता कि ये फिल्म क्या बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं आपको बता दें 13 अक्टूबर 2021 को इसे रिलीज़ किया जाना है और उसी वक्त अजय देवगन की मैदान भी रिलीज़ हो रही है। इस वजह से अजय देवगन और SS राजामौली में बहुत ज़्यादा अनबन भी चल रही है क्योंकि अजय देवगन से बिना पूछे राजामौली ने RRR की अनाउंस कर दी रिलीज़ डेट। उसके बाद बहुत सारी डिस्कशन हुए और ये कहा गया कि आखिर राजामौली ने क्यों अजय देवगन और बाकी मैदान की टीम से पूछा क्यों नहीं। इसीलिए अजय देवगन ने थोड़ी सी कन्नी काट ली है इस फिल्म से और अब प्रमोशन में नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि आज एक लुक शेयर किया गया आलिया भट्ट द्वारा और वो खुद अजय देवगन ने शेयर नहीं किया, जबकि और फिल्मों का बाकी स्टार्स की फिल्मों के वो प्रमोशन कर रहे हैं। भला अपनी फिल्म उन्होंने क्यों छोड़ी? तो इससे साफ जाहिर होता है कि SS राजामौली और अजय देवगन के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। वैसे दोस्तों आपको कितना इंतजार है RRR का ये बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। अब तक रिलीज होगी फिल्म RRR, आलिया भट्ट का कौन सा लुक हो रहा है वायरल?
फैंस का क्या कहना है उनके लुक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म RRR के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रजिस्टर हो पाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवीज या सीरीज से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर सारी वीडियोस आराम से चेक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। RRSS राजमौली द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म DBB दनाया ऑफ DBB एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस्ड है। फिल्म में एंटी रामाराव जूनियर एंड रामचरण, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस, अजय देवगन, सामित्रा केनी, रे स्टीवेंसन और एलिसन डूडी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू चरण और कोमाराम भीम यानी रामाराव के बारे में एक काल्पनिक कहानी है, जिन्होंने क्रमकश ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी MM केरावानी और KK सेंथिल कुमार ने की है, वही फिल्म की एडिटिंग A श्रीकांत प्रसाद ने की है। फिल्म की प्रधान फोटोग्राफी 19 नवंबर 2018 को हैदराबाद में शुरू हुई। COVID-19 महामारी के कारण फिल्म की पारंपरिक रिलीज की तारीख 8 जनवरी 2021 टाल दी गई थी। फिल्म अब कई भाषाओं में 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। आलिया भट्ट जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, उनके प्रशंसकों और दोस्तों ने बधाई दी है। वह देश की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है और उन्हें विभिन्न फिल्मों में कई प्रदर्शनों के लिए प्रशंसा मिली है। नवीनता ये है कि RRR में सीता के रूप में उनका लुक जारी किया गया है। निर्माताओं ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे उसके जन्मदिन पर पहला लुक जारी करेंगे। फिल्म से सीता के रूप में आलिया पहले लुक में काफी ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन लग रही हैं। फिल्म के निर्देशक SS राजमौली ने फर्स्ट लुक शेयर किया और उन्हें पोस्ट किया कि स्ट्रॉन्ग वाइल्ड एंड रिजॉल्विंग सीताज वेट फॉर रामा राजू विल बी लेजेंडरी प्रेजेंटिंग @alia08@#SeetaToYouAll @Tarak999@AlwaysRamcharan#RRR#RRRMovie। जबकि रामचरण का अल्लूरी सीताराम राजू और जूनियर NTR के रूप में कोमाराम भीम पर आधिकारिक आदिवासी आदमी के रूप में एक वीडियो वायरल हुआ। फिल्म निर्माताओं ने अब आलिया भट्ट के लुक को सीता के रूप में प्रकट किया है। वो फिल्म में राम राजू की बेहतरीन भूमिका निभाती है। अब जो कोई उनके साथ इंतजार करता है जो साहसिक कार्य के बाद घर लौटता है। इस पहली नजर में आलिया हरे रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं और एक साधारण सा मेकअप उनको और मनमोहक बना रहा है और पहले से ही बहुत दिल जीत रही हैं। RRR टॉलीवुड और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में आलिया भट्ट की ये पहली फिल्म चिन्हित करेगी। ये फिल्म जूनियर NTR की पहली फिल्म है जबकि रामचरण ने जंजीर के साथ अपनी शुरुआत की। कुछ समय के लिए काम करने वाली इस फिल्म में ओलिविया मॉरिस, एलिसन डूडी, अजय देवगन, श्रेया सेनन, सुत्रे कानी और अन्य प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पिछले कुछ समय में रीजनल सिनेमा ने एक बार एक से बढ़कर एक मूवीज बनाए हैं और स्पेसिफिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं साउथ इंडियन सिनेमा की। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी फिनोमिनल है कि इंडिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म बाहुबली भी यही बनी थी और वही लेटेस्ट और रिलेटिवली न्यू एक्टर्स के साथ उप्पेना भी। From stories to acting and direction, South Indian movies ने हर एक movie lover को perfect entertainment provide किया है। अपने multilingual fan base को ध्यान में रख कर अब अधिकतर South Indian movies काफी सारी languages में dub होकर pan India में release होती है। और इसी cinema से 2021 की much awaited film में से एक है SS राजमौली की film RRR। अक्टूबर 13 को रिलीज होने वाली इस मूवी में रामचरण जूनियर, NTR, अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं। राजमौली की इस फिल्म की शूट रामोजी फिल्म सिटी में काफी समय से चल रही है और कुछ ही महीनों में खत्म भी हो जाएगी।
अगर फिल्म को लेकर कुछ अपडेट की बात करें तो हाल ही में कवर आया है कि आलिया भट्ट ने भी इस शूट के लिए कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग फिल्म में एक सॉन्ग सीक्वेंस होगा फीचरिंग रामचरण एंड आलिया भट्ट। इसके शूट के लिए हैदराबाद के स्टूडियो में एक बड़ा सा सेट खड़ा कर दिया गया है। इसके बाद फिल्म अप्रोक्सीमेटली 50 डेज में अपनी शूट कंप्लीट कर देगी और ये फिल्म इसी साल मोस्ट अवेटेड बन के रिलीज होगी। इसकी टीजर भी रिलीज हो चुकी है। इसकी टीजर और ट्रेलर ने व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पैन इंडिया रिलीज को ध्यान में रखते हुए RRR टाइटल की एक्सपेंशन भी अलग अलग रखी गई है, जैसे कि तेलुगु में रौद्रम रनम और रवीरम, तमिल में रतम रनम रिलाइत्रम, हिंदी में राइज रोड रिवोल्ट। जबकि इन सब का मतलब तो एक ही है, वो है रेज और वॉर ब्लड। RRR फिल्म के दो टीजर अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें रामचरण के कैरेक्टर अल्लूरी सीताराम और जूनियर NTR के कैरेक्टर कोमरम भीम की झलक देखने को मिलती है। इन दोनों कैरेक्टर को फायर एंड आइस से कंपेयर किया गया है और तभी हमें अल्लूरी सीताराम के लिए ऑरेंज कलर डोमिनेट करता दिख रहा है, जो कि फायर को रिप्रेजेंट करता है, और वही कोमरम भीम के लिए टीजर में ब्लूइश डोमिनेंस है, जो कि आइस को रिप्रेजेंट करता है। पहला टीजर स्टारिंग रामचरण इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो मॉडर्न डे वॉरियर विद यूज ऑफ गन्स, पंचिंग बैग एंड मार्शल आर्ट विद स्टिक दिखाया गया है। वहीं जूनियर NTR के टीजर में हम उन्हें तीर कमान जैसे हथियार चलाते देखते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्राइबल वॉरियर को। पर साथ ही हमें उनका एक शॉट मुस्लिम टोपी पहनते हुए भी दिखता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि भीम मुस्लिम होंगे शायद। अब ये यूनिक ट्विस्ट क्या होगा, ये आपको 13 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। फिजिक वाइज दोनों ही स्टार्स टीजर में कमाल लग रहे हैं और ऑन स्क्रीन हिट एक्शन सीन्स की छोटी सी झलक हमें टीजर में देखने को मिली थी। इन टीजर्स ने इन स्टार्स के लुक्स को देखकर भी हाइप बढ़ गया है पूरे दुनिया में। पर RRR के NTR वाले ट्रेलर पर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके कुछ एक शॉट्स जैसे कि फॉरेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन और रेन ड्रॉप्स वाले सीन्स को नेशनल ज्योग्राफिक से कॉपीड बताया जा रहा है। टीजर के आने के बाद ही फैंस ने इस सिमिलैरिटीज को नोटिस और पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था। पर आप जाके देख लीजिए आपको क्या लगता है। इसको लेकर नेटिजन्स ने RRR की कास्ट और क्रू को ट्रोल भी किया था। अगर आपको ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के एक्ट्रेस आलिया भट्ट जल्दी अपना 28वां जन्मदिन मनाने वाली हैं और इस मौके पर RRR टीम ने उन्हें एक यादगार तोहफा देने की तैयारी कर ली है। RRR मूवी ने 13 मार्च को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म में आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता का फर्स्ट लुक 15 मार्च को रिलीज होने वाला है, उनके बर्थडे के दिन। RRR मूवी ने ट्विटर पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर लिखा, हमारी सीता से मिलो, उनकी शान में आलिया का फर्स्ट लुक 15 मार्च को सुबह 11 बजे सामने आएगा। RRR एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दो तेलुगु फ्रीडम फाइटर्स अल्लूरी सीताराम राजू और कोहराम भीम की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर प्ले करेंगे, वहीं जूनियर NTR कोहराम भीम के लीड कैरेक्टर में नजर आएंगे। फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट लीड सीता का रोल प्ले करेंगी। इनके अलावा फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन भी अहम रोल प्ले करते नजर आने वाले हैं। वेल, अब कैसा होने वाला है आलिया भट्ट का कैरेक्टर, आलिया भट्ट का लुक और उनका पोस्टर, ये तो हमें कल पता चल जाएगा। वेल, आपको बता दूं कि ये फिल्म 13 अक्टूबर को तेलुगु सहित कई लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है सिनेमाघरों में। हम सभी काफी एक्साइटेड हैं, सभी में फिल्म को लेकर बहुत क्रेज है। अब इस क्रेजीनेस को और बढ़ाने आ रही है आलिया भट्ट 15 मार्च को। वेल, कैसा होता पोस्टर ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोस। थैंक यू। क्या RRR में आमिर खान भी होंगे? RRR के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स किसने और कितने में खरीदे? साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म अनडाउटेडली है RRR, जो कि थिएटर में 13 अक्टूबर को रिलीज होगी। राजमौली के इस बड़े पर्दे को 5 इंडियन लैंग्वेजेस में एक साथ पैन इंडिया में रिलीज किया जाएगा।
फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर के होने के साथ साथ ही हिंदी के ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बड़े पर्दे के बॉलीवुड स्टार्स जैसे आलिया भट्ट और अजय देवगन भी हैं। साथ ही हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली आरआरआर के वर्जन में हम बॉलीवुड का एक और स्टार देख सकेंगे जिनका नाम है आमिर खान। हालांकि अनलाइक अजय और आलिया फिल्म में आमिर को कोई रोल या केमियो करते हुए तो नहीं दिखाएंगे, पर हिंदी वर्जन की स्टोरी को थ्रू आउट वॉइस ओवर देंगे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर के वॉइस ओवर से ऑडियंस पीरियड ड्रामा के एरा और साथ ही अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस होगी। फिल्म के साथ ही ट्रेलर में भी इनकी वॉइस यूज होगी, जिसकी वजह से हिंदी बेल्ट में फिल्म की रीच और भी ज्यादा हो जाएगी। वैसे आमिर खान पिछले काफी सालों से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत बनाने को लेकर एसएस राजमौली के साथ बातचीत में हैं और वो चाहते हैं कि एसएस राजमौली और उनके फादर केवी विजेंद्र प्रसाद फिल्म का स्क्रीन प्ले डेवलप करें और जल्द ही इस एपिक को बड़े पर्दे पर ले जाएं। इसी बीच आरआरआर में एक वॉइस ओवर के साथ कोलैबोरेशन से ये पहला कदम हो सकता है इन दोनों आर्टिस्ट का महाभारत जैसे जायजेंटिक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करने का। और अगर दोनों हिंदी एंड साउथ इंडस्ट्री के जाइंट साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएं तो हिस्ट्री की सबसे एपिक स्टोरी महाभारत इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल फिल्म होगी। राजमौली साउथ इंडियन सिनेमा में तो हिट हैं ही, पर साथ ही बाहुबली की सक्सेस के बाद उनका फैन बेस थ्रू आउट इंडिया में भी बन गया है, जहाँ बाहुबली के 2 का डब्ड वर्जन हिंदी में ही 510 करोड़ की अर्निंग कर गया था। तो इसी के साथ इनकी अपकमिंग पीरियड ड्रामा से सभी को मैसिव एक्सपेक्टेशंस हैं और इसी हाइप की वजह से आरआरआर अपने थिएट्रिकल राइट्स को बेचकर ऑलरेडी पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है, पर साथ ही इसके पोस्ट थिएट्रिकल सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स भी बहुत महंगे पड़े हैं। फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को स्टार कंपनी ने वूपिंग 200 करोड़ में खरीद लिया। आरआरआर 2021 की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो सकती है, इसलिए स्टार ने इतना बड़ा अमाउंट पे किया है क्योंकि स्टार चैनल की रेंज में हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भी है और साथ ही स्टार ओन डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस हॉटस्टार का इंडिया में लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस है। इसलिए इतने बड़े अमाउंट को पे करके स्टार कॉन्फिडेंट है कि फिल्म की व्यूअर मेंबरशिप उन्हें हर लैंग्वेज एज वेल एज ऑनलाइन भी। ये कहानी लिखी है पंकज ने और इसे कौन सी पिक्चर हो गई है लीक फिल्म आरआरआर के सेट से? कितना एस्टिमेट क्रॉस कर सकती है फिल्म आरआरआर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फिल्म आरआरआर के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। चर्चित फिल्म सीरीज बाहुबली के निर्देशक एसएस राजमौली की अगली बहुप्रतिष्ठित फिल्म आरआरआर की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर सोमवार को एक पोस्ट जारी करके बता दिया है कि इसको रिलीज करने का अब पूरा मन बना चुके हैं डायरेक्टर्स। इसी के साथ इस फिल्म को लेकर हंगामा भी शुरू हो गया है। लेकिन ये हंगामा कैसा है हंगामा? एक तरफ सिने प्रेमी ठीक उसी तरह इस फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे बाहुबली द कंक्लूजन का इंतजार किया जा रहा था, वहीं इसके रिलीज डेट को लेकर बवाल हो रहा है। और तो और एसएस राजमौली की फिल्म के क्लाइमैक्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई है लीक। दोस्तों, फिल्म की क्लाइमैक्स की तस्वीरें हुई है लीक, ये बात बिल्कुल सच है। फैंस सोशल मीडिया पर लो क्वालिटी की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसमें हम रामचरण को ऐतिहासिक किरदार में देख सकते हैं और एसएस राजमौली अपने सेट पर नो मोबाइल पॉलिसी रखते हैं। नो मोबाइल पॉलिसी यानी कि कौन सी पॉलिसी? इस पॉलिसी में कोई भी सेट पे अपना मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता जिससे कि कोई भी सीन लीक ना हो। फिर भी हाल ही में सोशल मीडिया पर फिल्म के क्लाइमैक्स की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। अब फैंस सोशल मीडिया पर लो क्वालिटी की तस्वीरें शेयर करके बहुत सी बातें कर रहे हैं जिसमें कि रामचरण दिख रहे हैं, वो इस किरदार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। वहीं एनटीआर भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में आग लगी नजर आ रही है। ये आग किस बात की है? एक तस्वीर में लंदन बेस्ड एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस भी नजर आ रही हैं और ये खराब क्वालिटी की तस्वीरें जरूर हैं, मगर लोगों की एक्साइटमेंट इन्हें देखकर काफी बढ़ गई है। तभी तो ट्विटर पर आरआरआर ट्रेंड करने लगा। एसएस राजमौली के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा है जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू
ये युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन किया गया है। आरआरआर एक अखिल भारतीय फिल्म है जिसे डीवीवी दानिया द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट्स बैनर के तले बनाया गया है। अब आरआरआर तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और कई अन्य भारतीय भाषाओं में रिलीज के लिए तैयार है। एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, स्मृति कानी और एलिसन डूडी सहित भारतीय सिनेमा के अन्य लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ आरआरआर एसएस राजमौली द्वारा निर्देशित है, जिसका पिछला वेंचर आज भी अकेले भारत में बॉक्स ऑफिस पर 1400 करोड़ पार करने के वाली सबसे बड़ी हिट भारतीय फिल्म है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये फिल्म का जो पिक्चर रिलीज हुआ है वो कोई पीआर स्ट्रेटेजी थी या फिर ये सच में एक घटना थी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा और वो पिक्चर को जाके जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस। इतने वार्म वेलकम के बावजूद क्यों आलिया भट्ट ने फिल्म आरआरआर को छोड़ दिया और क्यों ओवरसीज बायर ट्रिपल आर को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। ट्रिपल आर जो कि तमिल की बहुत मेगा बजट फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं तमिल इंडस्ट्री के संजय लीला भंसाली यानी कि एसएस राजामौली। आपको बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले एसएस राजामौली ने बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया था आलिया भट्ट का अपने सेट पर। इस फिल्म में आलिया भट्ट सीता का किरदार निभा रही थी और आपको बता दूं कि अब खबरों की बात अगर माने तो ये फिल्म आलिया भट्ट ने डेट्स की वजह से छोड़ी है, लेकिन क्या पता उन्होंने फिल्म साहो देख ली हो प्रभास और श्रद्धा की। इस फिल्म में पहली बार वो तमिल में एंट्री मारने वाली थी और श्रद्धा कपूर ने भी साहो फिल्म से एंट्री मारी थी, लेकिन उनका जो हाल हुआ है मुझे लगता है किसी ने उनको फिल्म साहो दिखा दी, जिसके बाद से आलिया भट्ट बिल्कुल भी सह नहीं पाई और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बॉलीवुड ही सही है, अभी मैं पैर नहीं पसारूंगी, जितना खाऊंगी उतना ही हजम करूंगी। तो शायद इसी वजह से आलिया भट्ट ने ये फिल्म छोड़ दी हो, लेकिन कहना तो कुछ पड़ता ही है। जैसे एचआर कहता है विल लेट यू नो फर्दर, ये तो नहीं कहता है कि आपके लिए हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है, इस तरह से कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी नरमी की वजह से आलिया भट्ट ने एचआर के लहजे में कहा है कि मेरे पास डेट्स के इशू हैं और मैं इस फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपको बता दूं कि एसएस राजामौली जो कि बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया था जिन्होंने, उन्होंने ना तो रुआज से आशिक की तरह और ना ही अपना कुर्ता फाड़ के कुछ भी नहीं चिल्लाया, कोई भी पेपराजी या फिर किसी भी डिजिटल मीडिया पर जाकर कोई भी बात नहीं करी, कोई टिप्पणी नहीं करी। उन्होंने बहुत ही डिसेंटली जाके देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है रोल के लिए कि भाई आप हमारे यहाँ फिल्म कर लीजिए, और उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा भी काफ़ी व्यस्त हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, अमेरिका की लाइफस्टाइल भी है और उनका जो एक कुत्ता है डायना उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी तो चलाना है उनको, तो इतने ज़्यादा काम है उनके पास। अब देखना है कि अगर इन सब कामों से वो छुट्टी ले पाती हैं तो शायद वो एसएस राजामौली इस फिल्म को कर लें, और आई होप सो वो इस फिल्म को कर लें क्योंकि बहुत टाइम से प्रियंका चोपड़ा किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी है, तो देखना है कि क्या होगा। फिलहाल अगर प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म को ना कर देती तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए इस फिल्म का हिस्सा, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा चलते हैं एक और मुसीबत की बात करते हैं कि एसएस राजामौली की ट्रिपल आर के लिए जो ओवरसीज बायर हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। आपको बता दूं कि इस फिल्म का रैपअप अभी शूट नहीं हुआ है, लास्ट सेक्शन में ये फिल्म चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ओवरसीज बायर हैं उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। आपको बता दूं कि खबरें हैं कि 10 करोड़ से ऊपर का राइट खरीदा गया है, लेकिन जिस बैनर ने ये ओवरसीज राइट खरीदे थे उसने किसी और पार्टी को बेच दिए हैं और उस पार्टी ने किसी और को बेच दिए हैं। ऐसे करते करते बहुत सारी पार्टीज हो गई हैं और ऐसे करते करते ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी इसके राइट बिक चुके हैं, लेकिन मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि अमेरिका में अभी भी जो थिएटर्स हैं वो खुल नहीं रहे हैं, लोग जा नहीं रहे हैं, तो जो उन्होंने राइट्स खरीदे हैं क्या उनके वो राइट्स मतलब राइट हो पाएंगे, क्या रॉन्ग हो जाएंगे या उनका पैसा डूबने वाला है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में है वो। और अभी हिंदी राइट्स और तमिल राइट्स के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, इसे नहीं कहते थोड़ा सा देख परे कर लेना चाहिए, मतलब इंसान एक कपड़ा खरीदता है तो भी बहुत सारे रिसर्च कर लेता है, हमारे इंडिया में तो ये एक चीज़ है। इतनी बड़ी फिल्म के राइट्स खरीद रहे थे और उसके बावजूद इन्होंने ऐसे रिसर्च वगैरह नहीं करी, ये बड़ा थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन खैर देखने क्या होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये फिल्म दशहरा पर रिलीज होने वाली है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है और इस फिल्म में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया जाएगा जो कि फिक्शनल स्टोरी होने वाली है, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आर 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 और आर 4
कपूर के अलावा ऐसी कौन सी मूवीज हैं जिनकी फिल्म की शूटिंग हुई है विदेशों में? दोस्तों, विदेशों में शूटिंग की क्या सबसे बड़ी वजह हाई बजट फिल्म की है? क्या पहली फिल्म कौन सी थी जो विदेश में रिलीज हुई? नहीं जानते तो इस वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं हूं पलक गुप्ता, मैं स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज के इस एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जिनकी शूटिंग भारत से बाहर हुई है। अगर बॉलीवुड फिल्मों पर नजर डालें तो विदेश में इनकी शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हुई है, और ये तो कह सकते हैं कि 90% फिल्मों की शूटिंग बाहर विदेशों में हुई है। क्यों, इन्हें हमारा देश पसंद नहीं आया क्या? फिल्म मेकर्स इसके पीछे तमाम फायदे गिनाते बैठते हैं, और इसके बदलते हुए ट्रेंड्स तो हम दर्शकों को खूब पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं विदेश में बॉलीवुड की पहली फिल्म कौन सी शूट हुई थी? दोस्तों याद कर लो, अरे फिल्म संगम तो आपको याद होगी, अरे जो कि 1964 में आई थी। इस फिल्म में राज कपूर थे। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे विदेश में शूट की गई थी। फिल्म लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी। इसमें राज कपूर, विजयंती माला और राजेंद्र कुमार की ब्रीच की प्रेम कहानी दिखाई गई थी। आपको शायद वो सीन याद हो जब राज कपूर विजयंती माला से शादी करने के बाद हनीमून पर जाते हैं। हनीमून के लिए राज कपूर यूरोप जाते हैं, और असल में इन दृश्यों की शूटिंग यूरोप के कई देशों में की गई थी। राज कपूर और विजयंती माला के रोमांस के सीन वेनिस, पेरिस और स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए थे। हाय क्या सीन थे! पूरे कैबिन क्रू को इन जगहों पर ले जाने में राज कपूर को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा, लेकिन संगम की सफलता से उनके पैसों की अच्छी वसूली कर दी, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। इतना ही नहीं, यह राज कपूर प्रोडक्शन की पहली रंगीन फिल्म भी थी। 60 के दशक के बाद बॉलीवुड में फिल्मों को विदेश में शूट करने का सिलसिला शुरू हो गया। इन दोनों फिल्मों के बाद लव इन टोक्यो 1966 में और प्रेम पुजारी से लेकर यश चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में स्विट्जरलैंड और यूरोप में शूट हुई। अब इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो भारत के बाहर बनी हैं या बन रही हैं, लेकिन शायद उनकी लोकप्रियता इतनी नहीं थी जितनी इन फिल्मों की थी। अब ऐसी ही फिल्म RRR और R4 आ रही है, जिसकी शूटिंग बल्गेरिया में होने वाली है। बाकी शूटिंग भारत के हैदराबाद से लेकर महाबलेश्वर तक जारी है। दोस्तों, हमारा देश तो काफी सुंदर है, चाहे कितने भी देश लाइन में क्यों ना लगे हो। तो दोस्तों, अब अलविदा बोलने का समय आ गया है। आप अपना देश घूमते रहिए, दूसरे भी घूम लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा जैन ने लिखी है। अलविदा, मैं तो चली घूमने, आप भी जाइए। RRR, Rise, Roar, Revolt। पानी और आग दो ऐसे तत्व हैं जिनकी ताकत इसी बात से पता चलती है कि जब शांत पानी की लहरों में उफान आता है तो वो अपने अंदर पूरा एक शहर समेट रखने की क्षमता रखता है। वहीं आग से निकलने वाली लपटें इतनी झुलसा देने वाली होती हैं जिसे शायद पानी की ठंडक भी शांत ना कर सके। वही इसी कॉम्बिनेशन को हमने 25 मार्च 2020 में यूट्यूब पर देखा, वो भी दो ऐसी शक्लों में जिन्हें हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पहचानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट अवेटेड साउथ इंडियन फिल्म RRR की, जिसे बाहुबली, मगाधीरा और मक्खी जैसे सुपरहिट फिल्मों और अद्भुत, अचूक और अद्वैत निर्देशन के धनी डायरेक्टर SS राजमौली ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की विशालता इसी बात से बनती है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स अजय देवगन और आलिया भट्ट पिवोटल किरदारों में नजर आएंगे। वही फिल्म पैन इंडिया प्रोजेक्ट बन चुकी है, और फिल्म के टाइटल को तेलुगु में रोदरम रनम रुदिराम, तमिल में रतम रनम रुदिराम, कन्नड़ में रोद्र राना रुदिरा और मलयालम में रुदिराम रनम रोदरम नाम से पेश किया गया है। वहीं इसका शायद हिंदी भाषा में आर अक्षर से डायरेक्टर को कोई नाम नहीं मिला, तभी तो इसकी हिंदी भाषा जानने के लिए इसे राइज रोर रिवॉल्ट ही रख दिया गया। लेकिन क्या
हिंदी शब्दकोश में ऐसे कोई तीन शब्द नहीं थे जिसे लेकर इसके एक हिंदी टाइटल बना जा सके। चलिए इस राज पर से भी पर्दा हटाते हैं, लेकिन एक राज तो फिल्म के टीजर में भी छिपा है। फिल्म के टीजर की बात करें तो अभी तक डीवीवी एंटरटेनमेंट, जो कि आरआरआर को प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने फिल्म से जुड़ 3 टीजर्स ऑफिशियली यूट्यूब के अपने चैनल पर डाल दिए हैं, जिस पर भारी मात्रा में व्यूज और लाइक्स आए हैं। वही सोचने वाली बात जो ये है कि वो इस फिल्म का नंबर 3 से जुड़ाव RRR, जो कि 3 लेटर से बनता है। फिल्म की फिलहाल अलग अलग 3 टीजर भी जारी किए गए हैं। रामचरण जूनियर NTR, राजमौली की तिगड़ी से ये फिल्म पूरी होती है, तो क्या 3 लकी हो सकता है फिल्म के लिए? अगर फिल्म की रिलीज 3 तारीख रखी गई तो ये बात भी कंफर्म हो जाएगी। फिल्म के टीजर की बात करें तो गौर फरमाइएगा, जो वजनदार टीजर रिलीज किया गया है, सबसे पहले वो था रामचरण और जूनियर NTR की एंट्री का, जिसमें जूनियर NTR के कदम पानी में भागते हुए दिखाए गए हैं, तो रामचरण के पैरों से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। दोनों के एक दूसरे की तरफ भागते भागते आते हैं और उनके हाथों को जोड़कर रिवोल्ट यानी बगावत की चिंगारी दिखाई गई है, जिसे साफ हो गया कि दोनों मिलकर कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाले हैं फिल्म में। वहीं दूसरे ट्रेलर में रामचरण नजर आएगी। आपको बता दें, रामचरण फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभा रहे हैं। जो नहीं जानते, राजू विशाखापट्टनम के एक गांव पंदरंगी के निवासी थे, जिनकी देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका थी। साथ ही इन्होंने आदिवासी जनजाति के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। रामचरण, अल्लूरी सीताराम, राजू के जवानी के दिनों को पर्दे पर दिखाएंगे। टीजर में रामचरण योगा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दिए, इसी के साथ वो बॉक्सिंग और तीर चलाने की प्रैक्टिस भी करते दिखे गए। वही बताया जाता है, असल जीवन का अल्लूरी सीताराम राजू योगा के स्वस्थ जीवन के स्तोत्र मानते थे। राम के चरण के सीना पर एक ओम अक्षर का पेंडेंट सुनहरी धूप सा चमकता दिखा, जिसे उन्हें शिवजी भक्त दर्शाया गया। साथ ही पूरे ट्रेलर में एक गर्माहट दिखाई दी और शायद इस गर्माहट की वजह थी अल्लूरी सीताराम के अंदर झुलसती आग। ये आग थी प्रतिशोध की, अपनों के हक के लिए लड़ने की। वहीं उनकी इस लड़ाई में अब उनके साथ कोई और भी हाथ मिलाने जा रहा है, और वो होगा कोमाराम भीम। जी हाँ, कोमाराम भीम राजू की तरह ही स्वतंत्र प्रेमी थे। वो गौंड जनजाति से नाता रखते थे, जिन्होंने जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत किया था, लेकिन अंग्रेजों को भी वह गवारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि इनका तो हमें शोषण करना चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं और ये तो गवार हैं। लेकिन शायद उन्होंने भीम की शक्ति नहीं देखी थी, उसकी फौलादी जांगे, उसके जिस्म से तपकती रक्त की हर एक बूंद स्वतंत्रता का गुणगान करती थी। वहीं इस किरदार के लिए जूनियर NTR को लेना काफी सही माना जा रहा है। जहां रामचरण के टीजर में एक ज्वाला थी, वहीं NTR के ट्रेलर में एक ऐसी ठंडक थी जो पूरे बदन में कपकपी छुड़ाती हो। वहीं टीजर में NTR एक झंडे को लहराते देखे गए, जिसमें जल, जंगल और जमीन लिखा हुआ था, जो एक बार फिर से 3 शब्द होते हैं, और ये 3 शब्द ही कोमारम भीम का नारा और मांग थी उनकी आखिरी सांस तक। लेकिन क्या आप जानते हैं, RRR एक क्रॉसओवर फिल्म है, क्योंकि असलियत में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमारम भीम दोनों ने ही अलग अलग समय में अपनी लड़ाइयां लड़ी थी, और इस फिल्म के जरिए ये दिखाया जाएगा कि क्या होता है अगर दोनों ही एक समय में एक उद्देश्य के लिए साथ खड़े होते हैं। फिल्म का प्लॉट 1920 की दिल्ली के दौर में सेट किया गया है। फिल्म में सिर्फ एक्शन दिखाया जाए तो पब्लिक बुरा मान जाती है, उन्हें फिल्म में रोमांस भी चाहिए, डांस भी चाहिए, बड़ी डिमांडिंग होती जा रही है पब्लिक। इसलिए दोनों ही सेनानियों का लव एंगल भी दिखाया जाएगा, जहां रामचरण के लिए बद्री की दुल्हनिया यानी आलिया भट्ट टॉलीवुड में पहली बार अपने कदम रखने वाली है। वहीं जूनियर NTR के लिए तो एक विदेशी एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस भारत में कदम रखने जा रही है। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, हाई खुश तो जूनियर NTR और दर्शक होंगे। वहीं अभी तक का प्लॉट हमें कई हद तक लगान, भगत सिंह और जितनी भी पेट्रियोटिक फिल्में रही उसकी याद दिलाता है। फिल्म की कहानी की रचयिता है विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाहुबली और मगाधीरा जैसी पीरियड फिल्मों का भी प्लॉट लिखा था। एक बार फिर से नंबर 3 इज इन वेन,
आरआरआर के निर्देशक हैं एसएस राजमौली, यानी ये तो है कि आरआरआर से भी दर्शक निराश नहीं होंगे। लेकिन जो बात मुझे काफी समय से परेशान कर रही थी वो ये है कि जहां आरआरआर का तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयाली भाषा में संवाद किया गया, तो इतने बड़े लेखक को हिंदी में आर शब्द से, राइज रिवोल्ट रोर से ज्यूड एक्टिव ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगा। फिल्म में दोनों ही एक्टर्स ने अपना रोष दिखाया, काफी रक्त भी बहाया, साथ ही ब्रिटिश राज के खिलाफ राजद्रोह किया, यानी फिल्म का नाम हिंदी में रोष, रक्त, राजद्रोह रखा जा सकता था। क्या आपके पास है फिल्म के टाइटल के लिए एक और परफेक्ट हिंदी शीर्षक, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं दिल में भरी रंजिशों के साथ उगते सूरज से रुतबे जैसा ही है आरआर का साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस क्या आलिया बनेगी सिंगर आरआर फ्रेंचाइजी के लिए, कितनी फिल्मों में गाना गा चुकी हैं आलिया, फिल्म आरआरआर और आर4 के कितने वर्जन में गाएगी गाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज मैं पूनम बात करने वाली हूँ आर4 के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आरआरआर के गानों के बारे में। बाहुबली फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर को लेकर एक खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आलिया भट्ट अपनी इस फिल्म में खुद के लिए दो सॉन्ग गाने वाली है। इससे पहले आलिया के डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे और शशांक खेतान की अमरीश शर्मा की दुल्हनिया में खुद के लिए गाना गाया था। सूत्रों के मुताबिक साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टार आरआरआर में आलिया एक गाने और एक डांस नंबर का अपनी आवाज दे सकती हैं। आलिया इस फिल्म के सिर्फ हिंदी वर्जन में खुद के लिए ही दो गाने गाएंगी। फिल्म को 5 भाषाओं, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा, लेकिन आलिया उनके लिए गाना नहीं गाएंगी। कुछ दिनों पहले राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर की रिलीज डेट को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया था। इस बात की जानकारी आलिया भट्ट ने 25 जनवरी को सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर करके दी। आलिया भट्ट ने पोस्टर शेयर पर लिखा था, आरआरआर के लिए तैयार हो जाइए, 13 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। रामचरण और जूनियर एनटीआर के अलावा अजय देवगन, श्रिया सरन और आलिया भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है। फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्माता डीवीवी दानिया ने कहा कि हम आरआरआर की शूटिंग स्केड्यूल के अंत के करीब पहुंच गए हैं और इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम दर्शकों के साथ सिनेमा घरों में दशहरा जैसे बड़े उत्सव को मनाने के लिए भी बेहद उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामचरण और जूनियर एनटीआर इन दिनों फिल्म की क्लाइमैक्स सीक्वल के लिए शूटिंग कर रहे हैं। बाहुबली जैसी सुपरहिट सीरीज बनाने वाले राजामौली की आरआरआर 450 करोड़ रुपए की बिग बजट में बन रही है। इसके साथ ही जैसे हम जानते हैं कि फिल्म आरआरआर के अगले पार्ट आर4 की शूटिंग भी शुरू हो गई है। क्या आलिया इसके लिए भी गाना गाएंगी? अगर क्यों फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बाद में नहीं सबसे पहली पसंद बन गई हैदराबाद? क्या है हैदराबाद का पूरा इतिहास और कैसे नाम पड़ा हैदराबाद का हैदराबाद? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। इस बार लॉकडाउन की वजह से थैंक्स टू दैट हमें पता चल गया कि हमारे घर में कौन सा परफेक्ट स्पॉट है सेल्फीज के लिए। अब जब भी कोई परफेक्ट सेल्फी लेनी होती है उसी स्पॉट पर जाकर हम फोटो खींच लेते हैं। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए हैदराबाद परफेक्ट स्पॉट बन गया है। आपको बता दूं कि बहुत सारी फिल्में जैसे कि बाहुबली, एसएस राजामौली की करंट फिल्म RRR और बाहुबली की रीसेंट फिल्म राधे श्याम की शूटिंग हैदराबाद में हुई है। आपको पता है कि इसका नाम हैदराबाद कैसे पड़ा? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही फिल्मी होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर सोर्सेज के अकॉर्डिंग कहा जाए, कुतुब शाही परंपरा के 5th रूलर मोहम्मद कुली को प्यार हो गया था लेडी भागमती से और इस मोहब्बत में उन्होंने हैदराबाद शहर उनको न्योछावर कर दिया था, गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। खैर आपको बता दूं कि अच्छा हुआ ये लेडी भागमती के टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो मोहम्मद कुली लेडी भागमती को गोल्ड डिगर मान लेते अगर कुछ इधर उधर हो जाता तो। खैर आपको बता दूं कि उन्होंने उसी के प्यार में, उसी की मोहब्बत में इस शहर का नाम हैदराबाद रखा, क्योंकि मोहम्मद कुली को लगा कि इतना खर्चा हो गया तो शादी भी कर लेनी चाहिए और उन्होंने फिर लेडी भागमती के साथ शादी कर ली। आपको बता दूं कि वैसे आम तौर पर होता है कि लड़कियों का सरनेम चेंज होता है, लेकिन इनकी पूरी आइडेंटिटी ही बदल दी गई क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी। फिर इनका नाम रखा गया हैदर महल, जिसका मतलब होता है हैदर का महल और हैदर का शहर, वहीं बाद में चेंज होकर हैदराबाद हो गया।
खैर आगे चलते हैं, आपको बता दूं कि जैसे हर मम्मी को लगता है कि उनका बच्चा आलस का शहर है, भरा हुआ है उसके अंदर आलस, वैसे ही हैदराबाद के अंदर बहुत सारे निज़ाम, बहुत सारी ज्वेलरी है और ये निज़ामों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ निज़ाम ज्वेलरी वगैरह मिलती है बल्कि आपको बता दूं कि यहाँ की लोकेशंस बहुत प्यारी हैं, जैसे कि बिरला मंदिर, हुसैन ओशियन, इसके अलावा चार मीनार जैसी लोकेशंस हैं। खैर अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में हर वो चीज़ है जो फिल्म मेकर को अट्रैक्ट करती है, और यही बात है कि एस एस राजामौली ने यहाँ पर अपनी हर फिल्म की शूटिंग करी है। आपको बता दूं कि बाहुबली हो, ट्रिपल आर हो, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई है। अब देखना है कि एसएस राजामौली इस लोकेशन को अपने ट्रिपल आर में किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं। कौन से क्लाइमैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं जूनियर एनटीआर और रामचरण? क्या जल्द ही दर्ज होने वाला है नया इतिहास? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है माई यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर अपने रिलीज से पहले ही खबरों में बनी हुई है। इस पैन इंडिया फिल्म को लेकर लोगों में गजब का एक्साइटमेंट दिख रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में अब फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की प्रैक्टिस के दौरान की दो फोटो सामने आई है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों में जूनियर एनटीआर और रामचरण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग काफी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से ये दोनों स्टार्स बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को हाल ही में आरआरआर मूवी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है। आपको बता दें कि अक्टूबर में रिलीज के लिए तैयार आरआरआर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के थियोरेटिकल राइट्स के लिए कुल मिलाकर 348 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। इस ऑफर के साथ फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक रिकॉर्ड बना लिया है। राजामौली की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, सुमुथिर कानी और अलीसन डूडी भी नजर आने वाले हैं। बताते चले कि इस फिल्म को 13 अक्टूबर 2021 में दशहरा के शुभ अवसर पर दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा, जिसमें इसकी टक्कर अजय देवगन और बोनी कपूर की फिल्म मैदान से होती दिखाई दे सकती है, जिस बात पर बीते दिन में काफी बवाल भी हुआ है। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। लेकिन बात ये भी है कि जो फिल्म की कहानी लोगों के दिल को छू पाएगी वही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि एसएस राजामौली अपनी फिल्मों की कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बाहुबली के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। शायद यही वजह है कि बोनी कपूर के फिल्म के रिलीज को लेकर इतने बवाल होने की। अब देखना दिलचस्प होगा कौन सी मूवी। आरआरआर बाय मनीषा जैन। आरआरआर की वीडियो हुई रिलीज, क्या प्रतिक्रिया आई है वीडियो के लिए लोगों की तरफ से? बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुत बड़ी प्रतीक्षित फिल्म आरआरआर का हाल ही में मोशन पोस्टर जारी किया गया है। अब साउथ की सुपरस्टार रामचरण के जन्मदिन पर फिल्म निर्माताओं ने उनका पहला लुक वीडियो रिलीज कर दिया है। यूट्यूब पर इस वीडियो का क्लिप ने धमाका मचा दिया। R3 के निर्माताओं ने एक स्पेशल वीडियो का अनावरण किया है, जिसमें अभिनेता के पहले लुक को दर्शकों के सामने पेश किया गया है। वहीं जूनियर एनटीआर ने भी अपने दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक विशेष मैसेज के द्वारा ये वीडियो साझा किया है। बता दें कि बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण DVV दानिया में किया गया। फिल्म 2020 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक है और यह फिल्म उद्योग के सबसे बड़ा कलाकार में शामिल है। फिल्म का अधिकांश हिस्सा पहले ही शूट किया जा चुका था और प्रशंसकों को बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली की आरआरआर की रिलीज का इंतजार है। फिल्म आरआरआर में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। राजामौली ने इससे पहले मोशन पोस्टर जारी करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, पानी में आग लग जाती है, आग पानी को सोख लेता है और दो ताकतें #RRR के टाइटल लोगों को पेश करने के लिए उपार ऊर्जा के साथ आती है। ये फिल्म तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जिंदगी पर आधारित है। 450 करोड़ की लागत से बनी यह फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। इस पर लोगों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया आई।
लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने #RRR को बरकरार रखते हुए मूवी के लिए ट्विटर पर ट्रेंड किया। ये वीडियो में रामचरण का किरदार लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इससे पहले रिलीज हुए पोस्टर में जूनियर NTR के रोल को लेकर काफी सवाल उठे, जिसमें NTR को मुसलमानी टोपी में दिखाया गया था। हालांकि कुछ समय बाद मामला संभल गया। अब इस वीडियो की अच्छी प्रतिक्रिया फिल्म के हिट होने की तरफ थोड़ा इशारा तो कर रही है। कैसी लगी आपको ये हमें बताना ना भूले कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। ये लिखी है मनीषा जैन ने और इसको रिसाइट किया है प्रशा ने। धन्यवाद। फिल्म RRR के हीरो जूनियर NTR के खिलाफ क्यों हुई FIR दर्ज? मीरा चोपड़ा इज द कजन ऑफ द बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। मीरा हैज वर्कड इन तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स अलोंग विद द बॉलीवुड वंस। मीरा हैज वर्कड इन द फिल्म्स लाइक गैंग ऑफ घोस्ट्स, 1920 लंदन एंड सेक्शन 375। जूनियर NTR का पूरा नाम नंदमूर्ति तारक रामाराव है। NTR दक्षिण भारत में एक जाने माने प्रसिद्ध अभिनेता है जो कि तेलुगु सिनेमा में मुख्य रूप से काम करते हैं। NTR का जन्म 20 मई 1983 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। NTR रामाराव जूनियर एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। जूनियर का जन्म 20 मई 1983 भारत में हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना में हुआ है। उनकी आयु 37 ईयर्स है। NTR रामाराव के साल 2001 में तेलुगु फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 में डेब्यू किया था। हालांकि वह साल 1996 में तेलुगु फिल्म रामायण के बतौर बाल कलाकार नजर आ चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा की कजन मीरा चोपड़ा साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं, लेकिन उनका साउथ स्टार जूनियर NTR का फैन ना होना लोगों को नहीं भाया। ट्विटर पर जूनियर NTR के फैंस ने इस बात के लिए उन्हें एसिड अटैक और दुष्कर्म की धमकियां दी, जिसके बाद अभिनेत्री ने FIR दर्ज करवाई है। मीरा चोपड़ा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे आपके राज्य में गैंग रेप, एसिड अटैक, दुष्कर्म, साइबर बुलिंग की धमकियां मिली हैं। हैदराबाद पुलिस के FIR दर्ज करवाने के बाद इस मामले की अच्छी तरह जांच व महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद करती हूं। दरअसल नीरा चोपड़ा ने हाल ही में अपने ट्विटर फैंस के लिए सवाल जवाब का एक सेशन रखा था। इस बीच किसी फैन ने उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता जूनियर NTR को लेकर सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में मीरा ने कहा कि वो जूनियर NTR को नहीं जानती हैं, वो उनके फैन नहीं है। मीरा के इस जवाब के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर बुरी तरह भड़क गए थे और उन्हें ट्विटर पर गालियां देने लगे। कुछ यूजर्स ने उन्हें पॉर्न स्टार कहा तो किसी ने उनके माता पिता के कोरोना से मरने की बात कही। हद तो तब प्यार पार हो गई जब कई यूजर्स उन्हें दुष्कर्म और एसिड अटैक की धमकी देने लगे। बाद में मीरा चोपड़ा को उनके खिलाफ FIR करानी पड़ी। बता दें मीरा चोपड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की कजन है। मीरा बॉलीवुड के साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। मीरा ने गैंग ऑफ घोस्ट, 1920 लंदन और सेक्शन 375 जैसी फिल्मों में काम किया है। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने और मैं हूं पूनम। अब मेरे अलविदा लेने का समय आ गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आज की हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। क्या शुरू हुई RRR की क्लाइमेक्स की शूटिंग? क्या बाहुबली को मात दे पाएगी RRR? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं सोनिका जैल। मगध हीरा, बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को बनाने वाले निर्माता SS राजामौली ने मंगलवार को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR का क्लाइमेक्स शूट की शूटिंग की जानकारी दे दी है। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया है। लोगों के लिए फिल्म की बेताबी बढ़ती ही जा रही है। ब्लॉकबस्टर बाहुबली फ्रेंचाइजी का निर्माण करने वाले निर्देशक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू हो गई है। मेरे रामा राजू और भीम उस चीज के लिए एक साथ आए हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने दोनों के हाथ जुड़ी हुई तस्वीर शेयर की है। दोनों के हाथ दिख रहे हैं जो कि खून और पट्टी में नजर आ रहे हैं। वहीं RRR में आपको बता दें बॉलीवुड सितारे भी होने वाले हैं। आलिया भट्ट, अजय देवगन और तेलुगु स्टार रामचरण और जूनियर NTR। ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता रामचरण ने व्यक्त किया अत्यधिक चार्ज। एक अन्य प्रमुख अभिनेता जूनियर NTR ने भी ट्वीट किया, सुपर एक्सक्लूसिव। वहीं आपको बता दें इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है। बीते दिनों आलिया भट्ट दिसंबर में अपने शूट के लिए हैदराबाद पहुंची थी, जिसकी तस्वीर राजामौली ने शेयर की थी और लिखा था, हमारी प्रिय सीता का RRR के सेट पर गर्मजोशी से स्वागत है। बेहद काबिल और खूबसूरत आलिया भट्ट और दोनों की तस्वीरें काफी स्टनिंग लग रही थी और दोनों हंसते मुस्कुराते ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे।
दोस्तों आपको बता दें ये कहानी स्वतंत्रता सेनानियों की होने वाली है, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की, और इन दोनों का किरदार कर रहे हैं जूनियर एनटीआर और रामचरण। अजय देवगन इसमें अहम भूमिका नजर आएंगे अहम भूमिका में, और साथ ही वो इन दोनों को मार्गदर्शन देते हुए इस फिल्म में नज़र आएंगे, और उनके अपोजिट इस फिल्म में श्रेया शरण नज़र आएगी जो कि दृश्यम में भी नज़र आ चुकी है। इसके अलावा रामचरण के अपोजिट आपको आलिया भट्ट नज़र आएगी, और जूनियर एनटीआर के अपोजिट आपको हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस इस फिल्म में नज़र आ सकती हैं। फिल्म का जो टीज़र रिलीज़ किया गया है जिसमें कि एक बार रामचरण का लुक शेयर किया गया है, उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि हमारे जूनियर एनटीआर का लुक शेयर किया गया है, दोनों ही बहुत स्टनिंग है। अब तक बहुत सारे व्यूज़ इस फिल्म के टीज़र ने ही अकेले बटोर दिए हैं। अब अजय देवगन के लुक का भी इंतज़ार है कि कब इसे रिलीज़ किया जाएगा, और धमाकेदार ही टीज़र होने वाले हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर ट्रिपल आर जो फिल्म है वही है जो कि बाहुबली को टक्कर दे सकती है, क्योंकि बाहुबली के डायरेक्टर ही इसे बना रहे हैं, और भव्य सेट लगाया जा रहा है चारों तरफ, हो हल्ला ऑलरेडी इस फिल्म के लिए हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कब इसे रिलीज़ किया जाएगा, क्या बाहुबली डेट्स को ही टारगेट किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको कितना इंतज़ार है ट्रिपल आर का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। Being made like an all India film, the film also shows two of the biggest stars of the South, Ram Charan Tejra and Junior NTR, along with the legendary stars of Hindi cinema like Ajay Devgan. Alia Bhatt also has a special role in the film. Swagat hai aapka Bollywood Studios mein, main hoon Poonam, aur aaj hum baat karne wale hain film RRR ke bare mein, jo in dino vivadon ka samna kar rahi hai. बीते दिनों फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, इसमें जूनियर एनटीआर का एक सीन था जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। अब इस मामले ने एक बार फिर तुल पकड़ लिया है। राजामौली एक भाजपा के नेता ने धमकी दी है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर ने स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम का किरदार निभाया है। फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज होते ही जूनियर एनटीआर में इस लुक पर विवाद शुरू हो गया था, लेकिन अब बात और ज्यादा बढ़ गई है। भाजपा के सांसद स्वयं बापू और बंदी संजय कुमार ने राजामौली को धमकी दी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंदी संजय कुमार ने कहा कि राजामौली ने सनसनी फैलाने के लिए फिल्म में कोमाराम भीम के किरदार निभा रहे अभिनेता जूनियर एनटीआर को टोपी पहनाई है। उन्होंने कहा कि इस बात को फिल्म बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, साथ ही उन्होंने फिल्म के लिए मुश्किल पैदा कर दी है धमकी देकर। इसके अलावा अलीदाबाद के सांसद स्वयं बापू ने भी कहा आदिवासियों के नेता कोमाराम भीम को मुस्लिम लुक में दिखाना गलत है। स्वयं बापू ने धमकी देते हुए कहा कि अगर राजामौली फिल्म में जूनियर एनटीआर का लुक नहीं बदला तो उसे सिनेमा हॉल्स को जलाने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। बता दें कि फिल्म आरआरआर को एक अखिल भारतीय फिल्म की तरह बनाया जा रहा है। फिल्म में दक्षिण के दो बड़े सितारे रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर के साथ ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे अजय देवगन भी नजर आएंगे। फिल्म में आलिया भट्ट की भी एक खास भूमिका होगी, साथ ही यह एक बिग बजट मूवी होने वाली है जिसके कारण ही कई समालोचकों की नजर इस मूवी पर टिकी है, क्योंकि यह एक भारत की सेनानियों पर बनने वाली मूवी है, तो इसलिए लोगों की और फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीदें इससे कुछ ज्यादा ही हो गई है। इसके चलते इस मूवी में हर एक कदम को काफी सोचकर लेना लाजमी हो गया। आपको क्या लगता है, क्या यह बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही समालोचकों की पहली पसंद बन जाएगी? आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है SS राजमौली की। स्क्रिप्ट से कैसे अलग है बॉलीवुड की स्क्रिप्ट? आज तक बॉलीवुड में स्वतंत्रता सेनानियों पर कितनी फिल्में बनी? SS राजमौली की फिल्म RRR स्वतंत्रता संग्रामी वीरों पर बनने वाली फिल्म है, लेकिन साउथ के अलावा भी बॉलीवुड में कई फिल्में हैं इन वीरों पर बनी। बस फर्क ये है कि SS राजमौली ने ऐसे सेनानियों को चुना जिनके बारे में लोग काफ़ी कम जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड में बनी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की फिल्में के बारे में। भगत सिंह के जीवन पर बनी देशभक्ति की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाने वाली लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह का रोल मशहूर एक्टर अजय देवगन ने निभाया है। फिर फिल्म सरदार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को दिखाया गया है। भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वल्लभ भाई पटेल का किरदार एक्टर ने काफ़ी उम्दा निभाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनी ये फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल द्वारा बनाई गई थी। फिल्म बोस द फॉरगॉटन हीरो को नरगिस दत्त नेशनल अवार्ड से नवाजा गया।
परेश रावल ने इसमें अपनी काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी तकरीबन 100 साल तक चली। फिल्म में चटगांव संघर्ष, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के शामिल होने की कहानी है, को दर्शाया गया है। वैसे तो महात्मा गांधी के जीवन पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन श्याम बेनेगल की फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी ने गांधी के जीवन को बखूबी दिखाया था। पहले हम जी जान से फिल्म 2010 में बनी थी। यह फिल्म भी चटगांव क्रांति पर बेस्ड है, जिसमें क्रांतिकारी सूर्य सेन का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है, जो मंगल पांडे के जीवन पर आधारित थी। मंगल 1857 की क्रांति में अद्भुत थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई पर पूरे हिंदुस्तान के जवानों व किसानों के साथ शुरू किया था। वो इस लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण सेनानी रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर के जीवन पर बनी फिल्म में उनके जीवन को दिखाया गया था। कारगिल युद्ध पर बनी एलओसी कारगिल में अभिषेक बच्चन और आदि हीरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कारगिल युद्ध की सारी यादें ताज़ा हो गई। ऑफिस पर भी काफ़ी धमाल किया था। 2004 में आई फिल्म लक्ष्य को भी 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित रखा गया। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक इंडियन आर्मी ऑफिसर युद्ध जीतना जानते हैं। बॉर्डर के बाद ये एक ऐसी मूवी रही जिसने लोगों का दिल जीत लिया। ऐसे ही दो और सेनानियों की बातें और यादें लेकर कब होगी एसएस राजामौली की फिल्म आरआर रिलीज? कैसा रहा अजय देवगन का रिएक्शन आरआरआर के मोशन पोस्टर के रिलीज होने पर? आज हम बात कर रहे हैं उस तेलुगु फिल्म का जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। हम बात कर रहे हैं एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर की। आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को एसएस राजामौली ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के कास्ट में एनटीआर रामाराव जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और ओलिविया मॉरिस शामिल है। फिल्म में हमें कोमाराम भीम के रूप में एनटी रामाराव जूनियर, अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में रामचरण, सीता के रूप में आलिया भट्ट, जेनिफर के रूप में ओलिविया मॉरिस, स्कॉट के रूप में रे स्टीवनसन, क्रिस्टियन के रूप में एलियन डूडू, श्रिया सरन और अजय देवगन एक कैमियो में दिखाई देंगे। बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुत समय से चर्चा में रही फिल्म आरआरआर में जूनियर एनटीआर का पहला लुक कैसा होगा? इस राज में से अब पर्दा हट चुका है। फिल्म में जूनियर एनटीआर के फर्स्ट लुक को रिलीज कर दिया गया है। यूट्यूब पर इस वीडियो क्लिप ने धमाका कर दिया। वीडियो में जूनियर एनटीआर का धांसू अंदाज फैंस को हैरान कर रहा है। वीडियो से हमें ये पता चलता है कि जूनियर एनटीआर का नाम इस फिल्म में भीम होगा। अजय देवगन ने इस वीडियो क्लिप पर रिएक्शन दिया है। तो क्या है उनका रिएक्शन, चलिए हम आपको बताते हैं। आरआरआर में जूनियर एनटीआर के लुक को अजय देवगन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा है, भीम के बारे में बताने के लिए हमारे रामा राजू से बेहतर और कौन हो सकता है। आपके सामने भीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अजय देवगन ने इस तरह वीडियो को शेयर कर अपने रिएक्शन दिया है। जूनियर एनटीआर से पहले आरआरआर में रामचरण का लुक भी रिलीज किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में अजय देवगन ने कितनी फीस ली है? कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि फिल्म के लिए अजय देवगन ने कोई भी फीस नहीं ली है। आरआरआर अजय देवगन की साउथ में पहली फिल्म होगी। ये फिल्म काफी समय से चर्चा में थी। अक्टूबर 2017 में एसएस राजामौली ने घोषणा की थी कि उनकी अगली डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत प्रोड्यूस की जाएगी। मार्च 2018 में राजामौली ने ये कंफर्म कर दिया कि इस फिल्म में एनटीआर रामाराव जूनियर और रामचरण दोनों लीड रोल्स में होंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण सारे काम लगभग रुक गए थे, यहाँ तक कि फिल्मों की शूटिंग भी बंद कर दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग अपने अपने कामों पर दोबारा लौटने लगे, फिल्मों की शूटिंग भी धीरे धीरे शुरू होने लगी और फिर आरआरआर की टीम भी एक बार फिर काम पर लौट चुकी है और बहुत खुश भी है। आरआरआर की कास्ट ने 5 अक्टूबर 2020 से ही हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ काम फिर से शुरू किया था। फिल्म के फिर से शुरू होने पर फिल्म के डायरेक्टर राजामौली ने कहा कि ये बहुत लंबा ब्रेक था और यह समय केवल फिल्म के लिए चीजों को बेहतर बनाने में मददगार था। पूरी टीम वापसी के लिए तैयार है और चीजों के बदलने से पहले हमने जो काम शुरू किया था उसे फिर से शुरू करने के लिए उत्साहित है।
मैं दर्शकों को फिल्म दिखाने का इंतजार कर रहा हूँ। इस कठिन वक्त में उनका समर्थन अविश्वसनीय रहा और पूरी टीम उनके अपार समर्थन के लिए आभारी है। यह एक फिक्शनल कहानी है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिन्होंने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मार्च में इस फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया गया था। इस पोस्टर के जरिए फिल्म निर्माता ने आग और पानी की शक्ति को दर्शाने की कोशिश की है। आरआरआर के पोस्टर को खुद अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया था। साथ ही लोगों को इस पोस्टर की जमकर तारीफें भी कर रहे थे। पोस्टर के रिलीज होते ही फैंस में आरआरआर को लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिली थी। अजय देवगन ने आरआरआर को मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आप सभी को गुड्डी पड़वा की ढेर सारी बधाइयां। जब विपक्षी ताकतें जैसे पानी और आग एक साथ आते हैं तो तीव्र ऊर्जा बनती है जो आपके पास होगी। यहाँ है आरआरआर का मोशन पोस्टर। आरआरआर का फुल फॉर्म है राइज रोड रिवोल्ट। फिल्म का कुल बजट 350 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने कितने पैसे कमाए हैं? एसएस राजामौली की आरआरआर ने प्री रिलीज बिजनेस का बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 215 करोड़ रुपए और कर्नाटका में 50 करोड़ रुपए में इस फिल्म के राइट्स बेचे गए हैं, जबकि इसके ओवरसीज राइट्स को 70 करोड़ रुपए में बेचा गया है। इस तरह साउथ इंडिया और ओवरसीज से ही आरआरआर रिलीज से पहले ही 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि राजामौली आरआरआर के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं। बहुत समय से इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आरआरआर दशहरा के अवसर पर 13 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज होगी। इस बारे में बात करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर डीवीवी दानिया ने कहा कि हम आरआरआर की शूटिंग स्केड्यूल के अंत के करीब पहुंच गए हैं और इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम दर्शकों के साथ सिनेमा घरों में दशहरा जैसे बड़े उत्सव को मनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हम भी इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब तो बस देर है कि 13 अक्टूबर की, जब ये फिल्म हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भार्गव। मोरिस का फर्स्ट लुक क्या होने वाली है, ट्रिपल आर की खास बातें और इसकी रिलीज डेट अनाउंस होते ही क्यों बोनी कपूर एसएस राजामौली पर हुए गुस्सा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जुयाल। बाहुबली फिल्म के निर्देशक एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर के लेकर सुर्खियों में है। ये फिल्म जल्दी ही सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, हाल ही में एसएस राजामौली ने अपनी इस मच अवेटेड फिल्म का ऐलान कर पूरी दुनिया में हलचल देश कर दी थी। अब दर्शकों का क्रेज बढ़ाने के लिए राजामौली ने अपनी फिल्म की एक और खूबसूरत अदाकारा ओलिविया मोरिस का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस फर्स्ट लुक में ब्रिटिश स्टार ओलिविया मोरिस बहुत सुंदर और क्लासी लग रही हैं। ओलिविया मोरिस फिल्म में जेनिफर का किरदार निभाने वाली है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो वो इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के अपोजिट लीड रोल करती हुई नजर आएंगी, जिसे लेकर फैंस के बीच क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म से ओलिविया मोरिस का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए निर्माताओं ने अदाकारा को बर्थडे की शुभकामनाएं दी। वहीं एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को लेकर खासा क्रेज है। इस फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर जहां लीड रोल में हैं, वहीं बॉलीवुड की सुपरस्टार आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट आपको श्रेयस सरन नजर आएगी, जबकि ब्रिटिश स्टार ओलिविया मोरिस, अलीसन डूरी और रे स्टीवेंसन जैसे इंटरनेशनल स्टार भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। फिल्म को रिलीज जो किया जाना है, एसएस राजामौली ने जो रिलीज डेट अनाउंस की है उसको लेकर बॉलीवुड में भी थोड़ा बहुत हंगामा मच चुका है, क्योंकि 13 अक्टूबर यानी कि दशहरा की डेट उन्होंने दे दी है और वहीं मैदान भी उसी टाइम रिलीज होने वाली है। तो मैदान के जो प्रोड्यूसर हैं बोनी कपूर, वो खासा नाराज हो रहे हैं एसएस राजामौली से और उनका मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा क्लैश। और वैसे भी उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी मैदान की रिलीज डेट, उसके बाद भी एसएस राजामौली ने उनसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। इसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें बात करनी चाहिए और इस क्लैश से बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त थिएटर में 50%
परसेंट ऑक्यूपेंसी चल रही है। ऐसे में दो बड़ी फिल्मों का क्लैश दोनों ही मेकर्स को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में और ट्रिपल आर का कितना इंतज़ार है, ओलिविया मॉरिस का ये फर्स्ट लुक कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, फिल्मी रिव्यूज़ के लिए, किसी भी दिलचस्प किस्से के लिए सब्सक्राइब करिए। क्यों कहा जाता है अल्लूरी सीताराम राजू को स्वतंत्रता संग्राम का गुमनाम नायक? आरआरआर में दो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाई जाएगी। अल्लूरी सीताराम राजू को कोमाराम भीम ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजामौली कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है। इन्हीं वनवासियों ने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऐसे ही महान क्रांतिकारी हुए हैं अल्लूरी सीताराम राजू। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका होता है जब हम हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष करने और कुर्बान होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। दरअसल हम उन्हें याद नहीं करते, वे तो हमारे जहन में सदियों से नक्श है, क्योंकि इन लोगों के बारे में हमेशा लिखा पढ़ा जाता रहा है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र होता ही कई नाम हमारे जहन में आ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका योगदान किसी भी काम में नहीं लिया जाता और वे हमारे लिए बेनाम बेचेहरे बन गए हैं। प्रकृति प्रेम वनवासी क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला है, कई प्रसिद्ध में छाए रहे हैं और कई अनाम रहे। ऐसे ही महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू रहे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पुरांडिव गांव में हुआ था। उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की यह बात घर कर गई थी। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरायो दौर का नाम भी आता है, जिनका अपने अलग वनवासी संगठन था। इस संगठन में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेजी बिरियायोदार को फांसी पर लटकाते देखा गया, लेकिन तब तक सीताराम राजू को संगठन बहुत बलशाली था। पुलिस राजू से थर थर कांपती रही, वह ब्रिटिश सत्ता को खुले आम चुनौती देता था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण यह भी है कि वनवासी अपने नेता को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। आंध्र के रंपा क्षेत्र के सभी वनवासी राजू को भरसक आश्चर्य आत्मसमर्थन देते रहे। स्वतंत्र संग्राम उस बेला में उन भोले भाले बेघर नंगे बदन और समुदाय ने अंग्रेजों के कोड़े खाकर भी राजू के खिलाफ मुखबरी नहीं की। सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध करते थे और नली मल्ली पहाड़ियों में छुप जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली पहाड़ियों में राजू व उसके साथ युद्ध का अभ्यास करते और आक्रमण की रणनीति बनाते थे। ब्रिटिश अफसर राजू से लगातार मात खाते रहे। आंध्र के पुलिस के नाकाम होने के बाद केरल के मालबार पुलिस में दस्ते राजू के लिए लगाए गए। मलाबार पुलिस फोर्स से राजू की कई मुठभेड़े हुई, लेकिन मलाबार दस्तों को मुंह की खानी पड़ी। इस गुमनाम अपनी फिल्म के लिए निर्देशक राजामौली कर रहे हैं 3 गुना मेहनत। फिल्म के लेखक और निर्देशक होने के बावजूद कर रहे हैं ये काम। आरआरआर की हॉलीवुड एक्ट्रेस ने गलती से कर दिया फिल्म की रिलीज का अनाउंसमेंट। क्या ये सच में थी गलती या था कोई प्रमोशनल स्टंट? एक फैन ने भर दिया अभिनेता NTR का चालान और बदले में उनसे मांगी है ये चीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। मैं आनिकी गरिमा अरोड़ आज आपसे बात करूंगी फिल्म आर 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 के बारे में। दोस्तों 26 जनवरी आने वाला है और लोगों के लिए फिल्म RRR की नई अपडेट का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला है। इसका अनाउंसमेंट पहले ही किया गया था, जो अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर को 26 जनवरी के दिन रिलीज करने की एक और वजह है, और जो शायद आपको ना पता हो या फिर फिलहाल आपके ध्यान में
में ना हो। तो आपको बता दें कि फिल्म RRR देश के स्वतंत्रता सेनानी की काल्पनिक कहानी है। असली किरदार और दमदार काल्पनिक कहानी को लेकर निर्देशक राजामौली ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन दोनों के किरदार को लेकर फिल्म बनाई जा रही है। उनके किरदार में रामचरण और NTR मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही कई और बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे जैसे कि अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रिया सरन, एलिसन डूडी और स्टेविसन इस फिल्म के लिए निर्देशक काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी और इसका निर्देशन कर रहे हैं। अब निर्देशक इसके लिए कोई तीसरा भी काम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही में SS राजामौली ने खुलासा किया, उन्होंने RFC हैदराबाद में अपने आगामी मेगा स्टार फिल्म RRR के लिए क्लाइमेक्स सीक्वेंस की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण प्रमुख भूमिकाओं में है। क्लाइमेक्स में रामचरण और जूनियर NTR एक मेगा एक्शन एपिसोड के लिए साथ आएंगे। क्लाइमेक्स एपिसोड की शूटिंग पिछले कुछ दिनों से तेज गति से हो रही है। अब नए अपडेट के अनुसार SS राजामौली खुद इस एडवेंचरस लड़ाई की कोरियोग्राफी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो एक साथ कई इमोशन से भरी है, ये मजेदार और देशभक्ति से लबालब होने वाला है। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज और नए अपडेट को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों का ध्यान फिल्म की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो गया। तो आइए आपको बताते हैं क्या हुआ ऐसा। जबकि बाहुबली के निर्देशक RRR के क्लाइमेक्स शूट के साथ व्यस्त है, ऐसा बताया जा रहा है कि आयरिश स्टार एलिसन डूडी ने गलती से फिल्म की रिलीज की तारीख के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एलिसन डूडी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि RRR 8 अक्टूबर 2021 में रिलीज हो रही है, लेकिन बाद में उन्होंने बिना कुछ कहे इस पोस्ट को हटा दिया। हालांकि निर्माताओं ने अभी तक RRR की रिलीज की तारीख के बारे में कुछ भी आधिकारिक पोस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, क्या अभिनेत्री का ऐसा करना सचमुच गलती थी या फिर उन्होंने जानबूझ के किया? हो सकता है फिल्म का कोई प्रमोशनल स्टंट हो और फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्रिएटिव टीम का एक आइडिया हो। ऐसा मानना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि निर्देशक अपनी फिल्म के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडिया लगाते रहते हैं। लेकिन उस पोस्ट से फैंस को राहत मिल गई, उनको कम से कम रिलीज के आसपास की तारीख का पता लग गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें, पिछले महीने तेलंगाना राज्य पुलिस ने नेहरू आउटर रिंग रोड पर यात्रा करते समय तेज गति सीमा पार करने के लिए जूनियर NTR की कार का चालान जारी किया, क्योंकि अभी भी समय था, इसलिए अभिनेता ने अब तक चालान का भुगतान नहीं किया था। हालांकि एक अति उत्साही प्रशंसक ने उनके बदले 1,035 रुपए के जुर्माना का भुगतान किया और सोशल मीडिया पर चालान पोस्ट किया। बदले में उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि आप मल्लिकार्जुन या ब्राह्मणाबाद सिनेमा घरों में मेरे और मेरे निकटतम साथी के लिए RRR फिल्म की टिकट दे दें। ये देखना मजेदार है कि प्रशंसक अपने प्यार का प्रदर्शन कैसे करते हैं और बदले में कुछ की उम्मीद करते हैं। हालांकि स्वार्थी होने की तरह दिखाता है, हम फिल्म प्रशंसक आने वाली फिल्म RRR का एडवांस टिकट लेना चाहेगा। वही विरोधी प्रशंसक ऑडियो रिलीज फंक्शन पर प्रशंसकों के लिए NTR की चिंता पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें उन्हें सावधान रहने और सुरक्षित रूप से घर जाने की सलाह दी जा रही है, जबकि उनको खुद ओवर स्पीडिंग के लिए चालान जारी किया गया। तो फिल्म RRR से निकाले जाने का संकट, आखिर अजय ने ऐसा क्या किया कि फैंस हो गए इम्प्रेस? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR का इंतजार किसको नहीं है? यह फिल्म पिछले वर्ष ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रिलीज डेट टलती चली गई, जिसने फिल्म के लिए फैंस के एक्साइटमेंट को और धुआं दे दिया। तो क्या आप इस फिल्म से जुड़े सभी जानकारी जानना चाहते हैं? तो आपको वो सभी जानकारी हमारी आज के वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सुपरहिट फिल्म बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली एक बार फिर अपनी अपकमिंग मूवी RRR से पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। यह फिल्म DVV एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। भले ही इस फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषा में बनाया जा रहा है, लेकिन इसे हिंदी और मलयालम में भी डब किया जाएगा। इस फिल्म में साउथ के एक्टर NT रामा राव, रामचरण और राहुल रामकृष्ण के साथ बॉलीवुड के कलाकार आलिया भट्ट और अजय देवगन भी नजर आएंगे। RRR के जरिए आलिया भट्ट पहली बार तेलुगु फिल्मों में काम करती नजर आएंगी। SS राजामौली के निर्देशक में बनी यह फिल्म एक पीरियोडिक ड्रामा है, जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों का कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के युवा दिनों को एक काल्पनिक वर्णन किया गया है। इसके लिए अलग गांव बनाया गया है, जिसको सन 1920 का रूप दिया गया है। हाई वोल्टेज एक्शन सीन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है, जो हैदराबाद में शूट किया गया है।
खबरों के मुताबिक फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए है, जबकि बाहुबली का पहला पार्ट 180 करोड़ का और दूसरा पार्ट 250 करोड़ में बना था। पिछले साल इसका मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था जिससे फैंस ने बहुत पसंद किया। इस पोस्टर को अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए अजय देवगन ने लिखा, आप सभी को गुड्डी पड़वा के ढेर सारी बधाइयां। जब विपक्षी ताकतें पानी और आग जैसे एक साथ आती हैं, तो तीव्र ऊर्जा बनती है जो आपके पास होगी। यहाँ है आरआरआर का मोशन पोस्टर। बता दें कि आरआरआर फुल फॉर्म है राइज रोल रिवॉल्ट। इस रिलीज के कुछ ही दिनों बाद रामचरण के जन्मदिन पर फिल्मों में उनके लुक को रिवील किया गया था, जिसके कुछ महीनों बाद ही जूनियर एनटीआर के लुक को भी पब्लिक करके सामने पेश किया गया। वीडियो में यह दर्शाने की कोशिश की गई कि जूनियर एनटीआर का नाम इस फिल्म में भीम होगा। अजय देवगन की इस वीडियो क्लिप पर रिएक्शन देते हुए कहा कि भीम के बारे में बताने के लिए हमारे रामाराजू से बेहतर और कौन जान सकता है। आपके सामने भीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बता दें कि पहले यह फिल्म जुलाई 2020 में रिलीज होने वाली थी, जिसके बाद इसके रिलीज डेट टालकर अक्टूबर 2020 हो गई, लेकिन फिर कोरोना महामारी के कारण शूट टलता चला गया और अब जाकर 19 जनवरी 2021 में फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शूट होना शुरू हुआ है और इसकी खुशी खुद निर्देशक राजामौली ने साझा की। उन्होंने लिखा, क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू हो गई है। मेरा सबको पता है कि फिल्म में आलिया भट्ट का एक महत्वपूर्ण किरदार होगा, लेकिन बीच में खबरें आ रही थी कि सुशांत केस के कारण उनसे यह प्रोजेक्ट छीना जा सकता है। इसके पहले आई उनकी फिल्म सड़क दो पर फैंस के रिस्पांस को देखकर निर्माता डर गए थे, लेकिन आलिया लकी रही और फिल्म में उनके रोल को नहीं हटाया गया। कार से जुड़ी एक और खबर यह भी है कि अजय देवगन ने इस फिल्म में काम करने के लिए निर्देशक से पैसे नहीं लिए हैं। फिल्म फेयर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अजय देवगन से आरआरआर में कैमियो के लिए निर्माताओं ने संपर्क साधा था, उन्हें एक फीस भी देने को बताई थी, उन्हें एक फीस भी देने की बात हुई थी, लेकिन अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए कोई भी पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया है और रोल फ्री में करने पर जोर दिया। यह पहला मौका होगा जब अजय देवगन किसी साउथ की फिल्म में नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले अजय देवगन के साथ ही सुपरहिट फिल्म सिंघम के हिंदी रीमेक में काम आया था और यह उनकी सुपरहिट फ्रेंचाइजी रही है। इस फिल्म के लिए कुछ हॉलीवुड एक्टर्स को भी साइन किया गया है। टीम ने यह आधिकारिक कर दिया है कि ब्रिटिश अभिनेत्री ओलिविया मॉरिस फिल्म में एनटीआर के साथ नजर आएंगी। यही नहीं, टीम ने अभिनेत्री एलिसन डूडू, एलिसन डॉडी और रे स्टीवेंसन को भी फिल्म में मुख्य विलन की भूमिका निभाने के लिए साइन कर दिया है। एलिसन डूडी एक आयरिश अभिनेत्री है जो अ व्यू टू किल, इंडियाना जोन्स और द लास्ट क्रूसेड जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है, जबकि रे स्टीवेंसन थॉर और किंग आर्थर के साथ कई अभिनय लोकप्रियों में टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि यह फिल्म दो स्वतंत्रता सेनानियों राम अर्जुन और भीम की कहानी पर आधारित है, लेकिन ये दोनों ही साउथ के थे और उनकी कहानी के बारे में कई लोगों को पता नहीं है। लेकिन एसएस राजामौली इस फिल्म को पैन इंडिया टच देना चाहते थे, इसलिए खबरें आ रही हैं कि शायद इस फिल्म में इतिहास से प्रचलित जलियांवाला बाग कांड को भी शामिल कर दिया जाए। हालांकि अभी तक इसके विषय में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। एक अन्य खबर के अनुसार इस फिल्म में वॉइस ओवर देने के लिए बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान और साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी को अप्रोच किया गया है। फिल्म में रिलीज से पहले ही इसे ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है और जो कि शायद हो भी सकती है। इसका एक कारण इसकी प्री रिलीज कमाई को भी कह सकते हैं। और कोमल नहाटा ने आरआरआर को लेकर ट्वीट किया है कि एसएस राजामौली की आरआरआर ने प्री रिलीज बिजनेस का बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 215 करोड़ रुपए और कर्नाटका में 50 करोड़ रुपए से इसके अधिकार बेचे गए, जबकि इसके ओवरसीज राइट्स को 70 करोड़ रुपए में बेचा गया। इस तरह साउथ इंडिया और ओवरसीज से आरआरआर रिलीज हुई है 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है वो प्री रिलीज में। एसएस राजामौली ने अपनी पिछली फिल्म बाहुबली से लोगों की अपनी तारीफ एक्सपेक्टेशंस काफी है, लेकिन वो बढ़ चुकी है। इसके कारण उनके अनाउंस की गई किसी भी फिल्म को फैन से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरआरआर फैंस की उम्मीदों पर कितना ज्यादा खड़ी रह पाती है और यह है क्या यह फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें।
आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है। दोस्तों निर्देशक राजमौली अगर कॉमेडी फिल्म बनाए तो कैसी होगी ये फिल्म, और क्या होता है अगर सारे फिल्म इंडस्ट्री के सितारे जो आरआरआर की स्टार कास्ट में हैं वो बिग बॉस के घर के माहौल में रहने लगे, और कैसी होगी फिल्म आरआरआर अगर इसको राजमौली की जगह डायरेक्ट करे साजिद नाडियावाला। जी हाँ दोस्तों, निर्देशक राजमौली अपनी फिल्म को लेकर एक से एक बेहतरीन आइडिया, कहानी और स्टार कास्ट लेकर आते हैं। उनकी फिल्में ज्यादातर इंटेंस टॉपिक पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि आप बाहुबली सीरीज को देख लीजिए जो माहेश्वरी की कहानी, और उस कहानी को निर्देशक ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। दोस्तों फिल्म को देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक काल्पनिक कहानी थी। इसी तरह हमारे देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानी को एक साथ लेकर एक काल्पनिक कहानी बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि अगर ये फिल्म को कोई और डायरेक्ट करता और किसी और तरीके से बनाई जाती। आपने निर्देशक राजमौली की फिल्में तो देखी ही होंगी, निर्देशक ने कई सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में फिल्म बाहुबली से आए। इसी फिल्म से उनको सही पहचान मिली। अभी तक की उनकी सारी फिल्में काफी सीरियस कहानी पर बेस्ड थी, लेकिन कैसा होगा अगर वो अपनी आने वाली फिल्म को कॉमेडी फिल्म बनाते। तो उन्होंने अभी तक तो अपनी फिल्मों से साबित कर दिया है कि वो अपनी फिल्म के हर पहलू पर तीखी नजर रखते हैं। उनकी फिल्म का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जिसमें लोगों को बोरियत होने लगे। जी हां दोस्तों, वो फिल्म को हर तरह से मनोरंजक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कभी कॉमेडी फिल्म बनाए तो उस पर भी अपना पूरा फोकस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी कॉमेडी फिल्म इस पर भी निर्भर करती है कि उनकी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी होगी या फिर ट्रेजिक कॉमेडी या दोनों को मिलाकर सेंसुअल कॉमेडी फिल्म। अगर फिल्म आरआरआर को काल्पनिक कहानी से थोड़ा हटकर उसमें कॉमेडी का तड़का लगाया जाए तो भी ये फिल्म काफी मनोरंजक हो सकती है। दोस्तों फिल्म आरआरआर के सारे सितारे अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री तीनों के सितारे मौजूद हैं। अगर इन लोगों को एक फिल्म में साथ लाने की जगह अगर एक शो के लिए बुलाया जाता जैसे कि बिग बॉस में, तो चलिए दोस्तों ऐसा मान लेते हैं कि दो लोग बॉलीवुड से, दो लोग साउथ फिल्म इंडस्ट्री से और दो लोग हॉलीवुड से एक शो साथ में करने आए हैं। उन तीनों को ऐसी जगह रखा गया जब कोई भी किसी की भाषा नहीं जानता है और उन लोगों के बीच खूब लड़ाई हो और ये एक सेंसुअल कॉमेडी में बदल जाए। कौन किसे क्या कहता है और दूसरा क्या समझता है इसका कोई अता पता ना हो, वो सारे सब अपने ही धुन में बस कुछ किए जा रहे हैं, ऐसा माहौल हो जहाँ एक साथ रहना भी मुश्किल हो जाए और साथ रहने के अलावा कुछ रास्ता भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, वो लोग एक दूसरे को मारने दौड़े और उन लोगों को वहाँ मौजूद लोगों के अलावा किसी तरह कोई और बचा भी ना पाए। इस माहौल में कैसे उनकी दोस्ती होती है, कैसे वो लोग एक दूसरे से नोकझोंक करते हैं, वो देखना मजेदार होगा। दोस्तों फिल्म के निर्देशक तो राजमौली हैं, उनका फिल्म बनाने का तरीका सबसे अलग है, लेकिन कैसी होगी ये फिल्म अगर निर्देशक इस फिल्म को साजिद नाडियावाला के स्टाइल में बनाए। इस फिल्म की कहानी फिर उनकी हाउसफुल सीरीज जैसी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बहुत सारे मजेदार और गुदगुदाने वाले सीन हो और बिना कुछ जाने सारे किरदार लोगों को हंसी से लोटपोट होकर गिरने पर मजबूर कर दे। कैसा हो अगर ये स्वतंत्रता सेनानी जो फिल्म में होने वाले हैं उनके जगह किसी बेनाम लोगों को लाया जाए जिनका पता ही ना हो किससे लड़ना है और क्या लड़ना है, बस वो साथ चल दे कोई लड़ाई लड़ने। हर लड़ाई के साथ एक नई मुसीबत आए, वो हर मुसीबत को पार करते हुए आगे बढ़ जाए और बाद में अनजाने में ही लोगों की सारी दिक्कतों का हल निकाल कर सबके हीरो भी बन जाए और उनको पता भी ना हो कि अपने इस बिना प्लान की लड़ाई की वजह से वो हर जगह मशहूर हो गए हैं और हीरो बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नई कहानी पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब। क्या मेगास्टार चिरंजीवी के आगे टिक नहीं पाएगी फिल्म आरआरआर? अभिनेता करने जा रहे हैं अपने ही बेटे से कंपटीशन? क्या फिल्म को पूरा करने के लिए निर्देशक दौड़ रहे हैं समय से भी आगे? क्या जल्दी पूरी कर पाएंगे वो ये फिल्म? और क्या फिल्म आरआरआर के टीजर से फैंस को मिल जाएगा अपने सभी सवालों का जवाब? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में। फिल्म आरआरआर का इंतज़ार करना लोगों के लिए अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। जब से उन्होंने KGF चैप्टर 2 का टीज़र देखा है सब लोग अपने अपने आने वाले पसंदीदा फिल्मों का अपडेट मांगने लगे हैं। वैसे तो फिल्म के निर्देशक राजामौली ने पहले ही बता दिया था कि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म का टीज़र रिलीज़ करेंगे, लेकिन फिर भी लोग इस फिल्म का ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट और जल्दी चाहते हैं। अब देखते हैं कि 26 जनवरी को उनका ये सब्र का फल मीठा साबित होता है या नहीं।
इस फिल्म के लीड अभिनेता रामचरण जो दो फिल्मों के बीच फंसे हुए थे वो पूरी तरह से अपना ध्यान एक फिल्म को नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनको अपनी फिल्म आचार्य भी समय पर ख़त्म करनी थी। इसी चक्कर में वो कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गए लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं और RRR के सेट पर वापसी कर चुके हैं। लेकिन वो इधर इस फिल्म के सेट पर क्या आ गए, उनके पिता मेगास्टार चिरंजीवी ने तो उनको ही कॉम्पिटिशन देने की तैयारी कर ली है। चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। मेगास्टार चिरंजीवी बिना किसी ब्रेक के अपनी अगली फिल्म आचार्य की शूटिंग कर रहे हैं। ये फिल्म कोरालता शिवा द्वारा निर्देशित की जा रही है और फिल्म को इस साल की गर्मियों में रिलीज करने की बात भी हो रही है। अभिनेता रामचरण की भी इस फिल्म में एक दमदार भूमिका है और वे हाल ही में आचार्य के सेट पर शामिल हुए हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आचार्य की टीज़र को भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया जाएगा। उसी के बारे में आधिकारिक घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। RRR के टीज़र को भी गणतंत्र दिवस के दिन ही रिलीज़ किया जाने वाला है। आचार्य एक सामाजिक नाटक पर आधारित है जो कि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों और कुछ हुए घोटालों के बारे में बात करता है। काजल अग्रवाल इस फिल्म के मुख्य अभिनेत्री हैं और आचार्य की पूरी शूटिंग भाग मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी। फिल्म मैटिनी एंटरटेनमेंट्स द्वारा निर्मित की जा रही है और इस फिल्म के लिए एक विशाल गांव और एक मंदिर सेट का निर्माण किया गया है और आचार्य की शूटिंग के प्रमुख हिस्से इस विशेष सेट पर ही किए जाएंगे। आपको बता दें कि फिल्म के टीजर का दिन RRR के दिन रखने का मतलब तो यही है कि मेगास्टार चिरंजीवी इस फिल्म को खुलेआम टक्कर दे रहे हैं। अब देखते हैं कि फैंस को किसका टीजर ज़्यादा पसंद आता है। जहाँ एक और फिल्म आचार्य पूरी तरह से RRR को टक्कर देने के लिए तैयार है, निर्देशक को यही लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि फैंस का ध्यान भड़काया जा सके। जहाँ दोनों फिल्मों का टीज़र एक ही तारीख रखा गया है तो फिल्म की रिलीज डेट भी आगे पीछे ही होगी, कहीं एक फिल्म का असर दूसरी फिल्म पर ना पड़ जाए। नए अपडेट के अनुसार बाहुबली और मगधीरा के प्रसिद्ध निर्देशक SS राजमौली ने RRR की रिलीज के लिए एक नई सीमा तय की है और वे हर कीमत पर समय पर काम करना चाहते हैं। वे समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं और RRR के अंतिम कट को तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राजमौली जल्द से जल्द शूटिंग को रैप अप करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि वे किसी भी कीमत पर दशहरा के मौके पर RRR को रिलीज करना चाहते हैं। पहले भी फिल्म के आधे हिस्से और सबसे मुश्किल एक्शन सीन्स को 50 दिन में शूट करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। SS राजामौली की मल्टी स्टार फिल्म RRR निस्संदेह देश भर की में सबसे इंतज़ार किए जाने वाली फिल्म है। फिल्म इस संक्रांति के लिए पहले ही रिलीज़ हो जाती अगर कोरोना महामारी ना हुई होती, लेकिन अब इसकी रिलीज़ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। रिपोर्ट्स हैं कि दशहरा रिलीज़ के लिए फिल्म की टीम योजना बना रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स अगले साल संक्रांति तक फिल्म को संस्थगित करने के आग्रह किए जा रहे हैं। महामारी के बाद फिल्म की रिलीज़ इंडस्ट्री की संभावनाओं के लिए एक बड़ी फिल्म के रूप में अच्छी होगी क्योंकि महामारी व्यापार के पक्ष में चीज़ों को बदल देगी। अफवाहें हैं कि RRR टीम दोनों नायकों के साथ गणतंत्र दिवस विशेष रूप में एक टीज़र की योजना बना रही है और दशहरा रिलीज़ के मामले में टीम स्लॉट की पुष्टि करना चाहती है ताकि प्रतियोगिता की कोई सिरदर्द ना हो। फैंस टीज़र के साथ साथ फिल्म रिलीज़ को लेकर स्पष्टता के लिए गणतंत्र दिवस का इंतज़ार कर रहे हैं। टीज़र के बाद लोगों को स्पष्टता भी मिल जाएगी कि वो इस फिल्म से क्या उम्मीद रख सकते हैं। टीज़र आने के बाद फिल्म को समझना भी आसान हो जाएगा और फैंस को उनके सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। खैर, आप इस फिल्म के टीज़र को लेकर कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आलिया भट्ट ने बताया कि उन्होंने किस तरह फिल्म RRR के लिए मेहनत की कि तेलुगु सीखने के लिए चैन की नींद लेना भी मुश्किल हो गया। महेश बाबू के साथ फिल्म बनाने का मन बना रहे हैं राजामौली। 2023 में होगी ये फिल्म रिलीज। फिल्म का हिस्सा हो सकता है ये हीरोइन।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की दुगनी मेहनत कर रहा है, उनसे भी बेहतरीन और बड़ी बजट फिल्मों का उन पर उनका फोकस है। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो बनकर तैयार हैं, बस इंतजार है तो थिएटर खुलने की और रिलीज करने की। जहां एक से एक फिल्में बन चुकी हैं, वहीं कुछ फिल्में अभी मेकिंग में हैं और फिर अनाउंसमेंट हो चुकी है और जल्द ही उन पर भी काम शुरू किया जा सकता है। फिल्म RRR ने भी अपना काम लगभग खत्म कर लिया है, उसमें बस ग्राफिक्स का काम बाकी है। राधे श्याम भी अपने लास्ट स्टेज पर है। प्रभास की 2-3 फिल्में अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें आदि पुरुष, सलार और ओम रावत की एक फिल्म है जिसमें वो जल्द ही काम करेंगे। ऐसी खबर है कि जल्द ही प्रभास और अनुष्का शेट्टी राजामौली के साथ एक और फिल्म करने वाले हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म आचार्य पर भी आधा काम शुरू हो चुका है। RRR के बाद रामचरण इस फिल्म पर काम करेंगे। फिलहाल तो वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, ठीक होने के बाद वो सेट पर वापसी करेंगे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री पूरी तैयारी में है कि साल 2021 में वो टॉलीवुड को फिर से ट्रैक पर ले आएंगे। अब देखते हैं उनका ये प्लान कितना सफल हो पाता है। आलिया भट्ट जो कुछ समय पहले तक राजामौली की फिल्म RRR की शूटिंग कर रही थी, वो फिलहाल अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ छुट्टियां मनाकर लौटी हैं और अब गंगूबाई काठियावाड़ी पर काम कर रही हैं। फिल्म RRR के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि तेलुगु फिल्म पर काम करने का उनका अनुभव काफी अच्छा रहा। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, इस फिल्म के लिए उन्होंने तेलुगु सीखी। ऐसी खबर है कि वो इस फिल्म के लिए तेलुगु में भी गाने गाते नजर आएंगी। अभिनेत्री बताती हैं कि तेलुगु सीखने में उनको काफी समय लगा और वो इस चीज में इतना डूब गई कि वो नींद में भी तेलुगु बोल रही थी। ये काफी फनी है, लेकिन इसमें पता चलता है कि इसके लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है। अब देखते हैं वो इस फिल्म में फैंस का दिल जीतने में सफल होती है या नहीं। निर्देशक राजामौली ने तो जैसे ना रुकने की कसम खा ली है। इतने सफल निर्देशक होने के बाद भी वो दिन रात मेहनत करते नजर आते हैं। उनके इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा वो और भी कई प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। खबर आई है कि वो महेश बाबू के साथ भी एक बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म को साल 2023 में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म पर काम इतनी जल्दी शुरू होती है तो इस बात पर निर्भर करता है कि वे फिल्म RRR पर काम कितने जल्दी खत्म कर पाते हैं या नहीं। फिल्म की अभिनेत्री के बारे में तो अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में आलिया भट्ट भी हो सकती है। अभी राजामौली के फेवरेट बनी हुई हैं। कुछ समय पहले जब अभिनेत्री हैदराबाद में थी, तब वो महेश बाबू के घर भी गई थी, उनके परिवार से मिली थी और उनकी बेटी को तोहफा भी दिया था, जो कि आलिया भट्ट की फैन थी। इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में उनकी जोड़ी भी हो सकती है। आप इन दोनों ही फिल्मों को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की में लीड और क्या होगा मूवी का जॉनरे, कौन कर रहा है इसका डायरेक्शन और क्या है फिल्म की रिलीज डेट, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं यानी कि गरिमा अरोड़ा आपका स्वागत कर रही हूँ हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। दोस्तों, RRR आने वाली इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म की रिलीज इनिशियली 8 जनवरी 2021 को कही जा रही थी, मगर COVID-19 के कारण अब पोस्टपोन हो गई है। इस फिल्म का डायरेक्शन SS राजामौली करेंगे और फिल्म का अनाउंसमेंट भी उन्होंने सोशल मीडिया पे कर दिया है। फिल्म का प्रोडक्शन DVV एंटरटेनमेंट्स के अंडर होगा, जिसके प्रोड्यूसर DVV दनन्या है। दोस्तों, कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में लीड रोल एंटी रामाराव जूनियर निभाते नजर आएंगे। वो कोमराम भीम की भूमिका निभाएंगे। रामचरण अलूरी सीताराम राजू का किरदार निभाएंगे। जूनियर NTR और रामचरण साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार्स हैं और उनकी एक्टिंग के तो बॉलीवुड भी बहुत ज्यादा दीवाना है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी, जो कि सीता का किरदार निभाएंगी। आलिया भट्ट की आखिरी फिल्म सड़क 2 थी, जो कि सड़क का सीक्वल था। हालांकि इस मूवी को ज्यादा प्यार नहीं मिला और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आलिया भट्ट की तेलुगु इंडस्ट्री में ये पहली फिल्म होने वाली है। आलिया भट्ट को गली बॉय और राजी में काफी अप्रिसिएशन मिली थी। आलिया जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आएंगी और साथ ही वो संजय लीला भंसाली के अंडर गंगूबाई काठियावाड़ी भी करने वाली हैं। अजय देवगन भी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आएंगे। दोस्तों, अजय देवगन को आखिरी बार 2020 की तानाजी मूवी में देखा गया था। उनकी वाइफ काजोल भी उस
मूवी का हिस्सा थी। फिलहाल अजय काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मेडे मैदान, पुट्स द प्राइड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एसएस राजामौली की दूसरी हिंदी डब्ड मूवी होगी। राजामौली को बाहुबली से बहुत ज्यादा प्यार मिला, जो कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी रही है। अब दोबारा राजामौली किसी धमाके के साथ आएंगे और उम्मीद करते हैं लोगों के दिल दोबारा जीतेंगे। दोस्तों फिल्म का टीजर कुछ एक महीने पहले रिलीज हुआ, जिसको काफी अप्रिसिएशन मिली और जूनियर एनटीआर के लुक्स भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। दोस्तों मूवी की शूटिंग कुछ समय पहले स्टार्ट हो गई थी। जूनियर एनटीआर मूवी की काफी शूटिंग पूरी कर चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आलिया भट्ट ने एक फोटो अपलोड करी जिसमें वो राजामौली के साथ खड़ी हैं और वो आलिया को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आलिया ने कैप्शन डालते हुए लिखा, नया दिन नई शुरुआत। आलिया अपनी शूटिंग अब शुरू की है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोस्तों बात करें मूवी की, तो ये मूवी एक फिक्शनल स्टोरी है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम जो ब्रिटिशर्स और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ते हैं। मूवी का बजट 300 करोड़ तक का है। राजामौली अभी लोकेशंस की सिलेक्शंस भी कर रहे हैं और 70% शूटिंग अलग अलग जगह पे होगी, जैसे कि हैदराबाद, वडोदरा और बुलजेरिया। जी हाँ दोस्तों, बाकी की शूटिंग बस आलिया भट्ट, अजय देवगन और बाकी के कुछ एक्टर्स करते नजर आएंगे। इससे पहले भी काफी ऐसी मूवीज रिलीज हुई थी जो फ्रीडम फाइटर्स पे बेस्ड थी, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मगर ये सारी मूवीज सच्ची घटना पर बेस्ड थी। राजामौली का इस मूवी को फिक्शनल कॉन्सेप्ट में लाना, जो कि नॉन फिक्शनल पे बेस्ड है, वो दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांचक होगा। अब देखते हैं क्या राजामौली अपने दर्शकों का प्यार बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। मगर हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आखिर एसएस राजामौली ट्रिपल आर को कब रिलीज करने वाले हैं? क्या ट्रिपल आर एक्टर रामचरण को हुआ कोरोना? क्या होने वाली है ट्रिपल आर की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। दोस्तों अभिनेता रामचरण कोविड 19 से संक्रमित पाए गए हैं, जो कि ट्रिपल आर में नजर आने वाले हैं। वो अपने घर पर ही क्वारंटीन है। राम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, कोई लक्षण नहीं है लेकिन घर पर क्वारंटीन है, आशा है जल्द ही ठीक हो और अधिक मजबूती के साथ वापस लौटें। ये उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और उनके फैंस भी लगातार यही कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे संपर्क में आए उन सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना परीक्षण कराएं, जल्द ही रिकवरी पर अधिक अपडेट दूंगा। राम हाल ही में आगामी फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने उदयपुर में अभिनेत्री निहारिका कोनेडेला की शादी में भाग भी लिया था। ट्रिपल आर एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिविया मॉरिस और रामचरण नजर आने वाले हैं। ये फिल्म अन्य भारतीय भाषाओं यानी कि तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज होगी। राजामौली ने कहा कि ट्रिपल आर 1920 के दशक में बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। ये दो प्रसिद्ध क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन आधारित है। अब तक ट्रिपल आर से कई जानकारी आ चुकी है और कई टीजर रिलीज हो चुके हैं। पहले रामचरण का लुक रिलीज किया गया टीजर के जरिए, उसके बाद जूनियर एनटीआर का भी लुक रिलीज किया गया और जो टीजर था जूनियर एनटीआर का वो मोस्ट लाइक्ड वीडियो बन गया था यूट्यूब में और सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़ डाले थे, क्योंकि ये वाकई बहुत ज़्यादा धमाकेदार था और इस टीजर ने तो और भी ज़्यादा धड़कने बढ़ा दी फैंस की, तो कि फिल्म कैसी होगी और फिल्म का इंतज़ार और भी ज़्यादा लगा। अब राजामौली ने भी एक अपडेट दी है कि ट्रिपल आर को वो दशहरा 2021 तक रिलीज कर पाएंगे और तब तक कोरोना के हालात भी सामान्य हो जाएंगे। अब देखना होगा ट्रिपल आर क्या धमाल मचा पाएगी और एसएस राजामौली की ही बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है, कितना इंतजार है ट्रिपल आर का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, कैसे तमिल एक्टर समुथरकानी को मिला दोस्ती का तोहफा, लेकिन कैसे राजामौली ने उन्हें यूज किया है, क्या कर बैठे ट्रिपल आर के फैंस ओलिविया मॉरिस के साथ, अपने नाम की तरह क्या करोड़ों कमाने वाली है ट्रिपल आर, क्या कहा एक्सपर्ट्स ने फिल्म ट्रिपल आर के बारे में
हाय गाइस, स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज मैं बात करूंगी एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के बारे में। मेरा नाम है निदा और ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये फिल्म में बहुत सारी धमा चौकड़ी देखने को मिलने वाली है। तो इस बारे में कुछ तो जानना बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि समू थिरकानी को क्या मिला दोस्ती का तोहफा और क्या एसएस राजामौली ने उन्हें यूज किया है या फिर तोहफा दिया है। वैसे समू थिरकानी को कौन नहीं जानता, ये एक्शन थ्रिलर ड्रामा क्रैक में दिखाई दे चुके हैं और इनकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी रही थी। इस फिल्म में श्रुति हसन भी दिखाई दी थी, लेकिन कुछ एक कहानी है ट्रिपल आर के पीछे कि कैसे समू थिरकानी को इस फिल्म में रोल मिला, लेकिन उनको लगता है कि उनको दोस्ती की वजह से रोल मिला। वैसे आप इधर उधर की अटकलें लगाएं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि समू थिरकानी के अभिनय को देखने के बाद एसएस राजामौली ने उनको फोन किया, उनको बहुत सारी बधाई दी और ऑफर दे दिया एसएस राजामौली ने अपनी फिल्म ट्रिपल आर के लिए कि भाई तुम मेरी फिल्म में क्या काम करोगे। फिर क्या था, समू थिरकानी ने एकदम हाँ बोल दिया। ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि समू थिरकानी और एसएस राजामौली काफी क्लोज फ्रेंड भी हैं, इसलिए उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा और बस हाँ कर दिया इस फिल्म के लिए। वैसे आपको बता दूं कि समू थिरकानी का ट्रिपल आर में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो ऐसा वैसा रोल नहीं दिया है दोस्त ने। वैसे अब समू थिरकानी को लगता है कि उनको दोस्ती की वजह से ये रोल मिला है, लेकिन अगर देखी जाए तो भाई कमाल तो समू थिरकानी के भी पास है। अब देखना है कि समू थिरकानी जस्टिफाई कर पाएंगे अपने रोल को कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कर दिया फैंस ने ओलिविया मॉरिस के साथ। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में ना रहो तो लोग जज करने लग जाते हैं कि यार कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, मर्डरर तो नहीं है, कैसा वियर्ड इंसान है। इसलिए हर कोई आजकल सोशल मीडिया पर है। आपको बता दूं कि ओलिविया मॉरिस जो कि इस फिल्म में भी दिखाई देंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हुए, ये पहले फिल्म की पसंद नहीं थी, लेकिन इनसे पहले जिनको रोल मिला था वो काफी व्यस्त थी, इसलिए इस फिल्म में ओलिविया मॉरिस को रोल मिल गया। जैसे आपको बता दूं कि जब ओलिविया मॉरिस ने ट्रिपल आर की टीम को ज्वाइन किया था तो उनके फॉलोअर्स काफी चुनिंदा थे, लेकिन जैसे ही इस फिल्म में वो ज्वाइन हुई और उनकी हाइप लोगों में बढ़ी, आपको बता दूं कि ओलिविया मॉरिस के फॉलोअर्स भी COVID-19 के केसेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे ये बात तो काफी खुशी की है कि उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना है कि अभी दौरान में इतने बढ़ रहे हैं तो फिल्म रिलीज हो जाएगी तो कितने बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है ओलिविया मॉरिस के बारे में, आप बता सकते हैं। वैसे एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर फिल्मों की आईपीएल है, नहीं समझे मैं बताती हूँ। जैसे आईपीएल में हर देश का खिलाड़ी खेलता है, वैसे ही इस फिल्म में हर इंडस्ट्री का एक्टर मौजूद है। आपको बता दूं कि ओलिविया मॉरिस हो, चाहे वो हॉलीवुड की एक्टर हो इस फिल्म में या फिर बॉलीवुड के अजय देवगन, आलिया भट्ट इस फिल्म में हो, इस फिल्म में टॉलीवुड जूनियर एनटीआर और रामचरण हैं, यानी कि टॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड की तिकड़ी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये फिल्म आईपीएल फिल्म है, इसमें सारी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और यही बात है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फिल्म का बजट प्रोडक्शन ही 150 से 200 करोड़ के बीच में है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए एसएस राजामौली हर चीज कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आमिर खान इस फिल्म में अपनी आवाज दे रहे हैं। वैसे इस फिल्म में तो काफी मजा आने वाला है क्योंकि इस फिल्म में आपको अलग अलग फ्लेवर्स भी देखने को मिलेंगे और एक्टिंग तो इसमें कमाल की होने ही वाली है। वैसे आपको बता दूं कि आलिया भट्ट इस इंडस्ट्री में पहली बार एंट्री करने वाली हैं। क्या तमिल इंडस्ट्री भी उनको वैसे ही एक्सेप्ट करेगी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने किया था, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये थे ट्रिपल आर के बारे में कुछ फैक्ट। ऐसे ही फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को, जहां पर हम आप